हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जल्दी से लाइव जुड़िए सभी लोग। अंकुश पांडे, जहिन सर, सोमेंद्र आर्या, वैशाली लाल, गुड इवनिंग जी सभी लोग। आजिए फटाफट लाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट कर दीजिए कि मैं सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं या नहीं दिखाई दे रहा हूं, जितने भी आप यहां पर हो। इज आई एम गेटिंग लाइव टू ऑल ऑफ यू और नॉट? चलिए, मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं हमारे जो चैनल का नाम है, जहां पर जो आपको डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसका नाम है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम। हम लोग यहां पर डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं और उसके लिए सर्कल वाले वीडियो की पीडीएफ नहीं मिली। सुमेंद्र जी भेजते हैं, टेंशन मत लीजिए, भेजते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, यहाँ पर 6 टीम मेंबर्स हैं जो आपको यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। उसके अंदर यदि मैं बात करूँ टीम मेंबर्स में कौन कौन है, तो मैं खुद विक्रांत पुंडीर इस टीम के अंदर मेंबर हूँ। उसके बाद मयंक पांडे सर है आपके पास, संजय कुमार सर है यहाँ पर, कासिफ अंसारी सर जी हैं यहाँ पर, और आपके पास रणधीर सिंह सर है यहाँ पर, और सिमिलर वे में अमित सिसोदिया सर भी यहाँ पर हैं आपको जो एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो ये सभी फैकल्टी अपना में काफी रिनॉन्ड फैकल्टी है जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कराती है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो सेशन है बहुत स्पेशल है। आज की पूरी क्लास जो होगी आपकी 7:30 लेकर 9:30 तक होगी, जहां पर मैं कम से कम 130 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, और आपके लिए एक तरीके से एग्जाम में जाने से पहले एक तरह से सैंपल है जहां पर आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को जज कर सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आइए और जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम अपने सेशन को शुरू कर सके। चलिए, मैं तब तक थोड़ा बहुत आपको आगे डिटेल बताता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम विक्रांत सिंह पुंडीर है। मैंने क्वालिफाइड एग्जाम यदि बात की है तो मैंने CDS, AFCAT और NDA जैसे एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाइड कर रखे हैं। उसके बाद मुझे 4 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है GS सब्जेक्ट पढ़ाने में। उसके बाद मैंने 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूं और 1500 प्लस स्टूडेंट मेरी पढ़ाई द्वारा सिलेक्शन ले चुके हैं। मैं SSB बोर्ड दे चुका हूं, मैं 7 times SSB बोर्ड में अपीयर्ड हो चुका हूं। और यदि मैं बात करूं, मैं डेली लाइव आता हूं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर। मेरी टाइमिंग रहती है 8 PM, जहां पर मैं हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज लेकर आता हूं, मैं आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। यदि सपोज करो कोई स्टूडेंट मेरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर कोई कोर्स लेना चाहता है तो मेरा कोड बिल्कुल यूज कर सकता है VKPLIVE, जहां पर उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा CDS, AFCAT और CAPF एग्जाम के लिए। जैसे के लिए ऋषभ चौधरी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ फैसिलिटी आपको बताऊं अनअकैडमी के बारे में। यहाँ पर हम लोग CDS, AFCAT डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। लाइव क्लासेस होगा, टेस्ट क्विजेस होंगे, अनलिमिटेड सेशन होगा, लाइव पजल्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके टॉप क्लास एजुकेटर्स यहाँ पर होंगे जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप अपना गोल सेलेक्ट के लिए जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं गोल सेलेक्ट कर देगा, तो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। क्रिएट क्यूब विथ मी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। उसके बाद यदि मैं बात करूं कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मेरा कोर्स लेना चाहता है, वो मेरा कोड VKPLIVE यूज कर सकता है और वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फीस कुछ प्रोविजन है, 1 month, 3 month, 6 month और 12 month की फीस है यहाँ पर। वहां पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मेरे 2 कोर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, चल रहे हैं। एक पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, और एक 3 दिन हुए 18th February से कोर्स लॉन्च हुआ है जिस पर मैं पूरा कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ वहां पर। तो अभी 2 कोर्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मेरे लॉन्च हो चुके हैं। यदि कोई लेना चाहता है तो कोर्स वहां पर मेरा 10% कोड VKPLIVE यूज करिए और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कल हम लोग एक सीरीज लेकर आए थे AFCAT एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। कल बच्चों ने, आप लोगों ने सबने अच्छा रेस्पॉन्स किया और क्वेश्चंस आपके लिए काफी यूजफुल सिद्ध होंगे। सेम इसी वे में आज फिर मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर आप एग्जाम्स के जाने से पहले क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर आज मैं कम से कम आपके लिए 130 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया, और आज की जो क्लास होगी वो करीबन आपकी 2 आवर्स की होगी, अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स, जहां पर मैं आपको बताऊंगा पेपर कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या एग्जाम में स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, फोकस रहना चाहिए, वो सब चीज का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मुझे सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या आप सब लोग रेडी हैं और आप सबका जोश कैसा है, हाउस द जोश, फटाफट कमेंट कर दीजिए। मोज आ गई, रवि कांत जी कह रहे हैं। हाउस द जोश, हाई सर, क्रिएट क्यूब कह रहे हैं, अंकुश पांडे हाई सर, वैशाली लाल वानी त्यागी हाई सर, शिवम चौहान हायर सर, यस दैट्स द स्पिरिट। और बच्चे नहीं आए, चलिए कोई दिक्कत नहीं,
बीच बीच में जुड़ जाएंगे। गुरु रन ब्रिंग इट ऑन सर, कह रहे ब्रिंग इट ऑन, यूवी का जोश इज वेरी हाई। ओके जी, ओके ओके, चलिए शुरू करते अपने सीरीज को। चलिए लेट्स सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सेम वही प्रोविजन, फॉर एवरी राइट क्वेश्चन यू विल अवार्ड 3 marks टू यू एंड फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स यू विल अवार्ड 1 negative marking टू यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत डैश लास्ट नंबर कंट्री है। पहले नंबर पे ऑप्शन है थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ या फिर नाइन्थ नंबर की। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर है। ऋषभ चौधरी सेवंथ, सभी सिंपल सा क्वेश्चन था। एक चीज ध्यान के रखना, एफकेट में इतना हाफ इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनका मेन क्राइटेरिया जो जज करने का है, एफकेट वाले को एयरफोर्स का जो मेन क्राइटेरिया है जज करने का, वो है SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका इंटरव्यू चलता है नॉर्मली 5 days के लिए इंटरव्यू चलता है। इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू मेरी नजरों में है तो कोई है तो वो है SSB बोर्ड। आपके लिए एग्जाम इतना मैटर नहीं करता, एग्जाम तो आपको क्वालिफाइड करने का एक बेस है, लेकिन आपका मेन बेस तो क्या है, SSB बोर्ड आपको क्लियर करना। तो इसलिए क्वेश्चन इतने टफ नहीं पूछे जाएंगे, आपसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे वैसे ही कराऊंगा नॉर्मली, वरना मैंने बहुत सारे देखे हैं टफ टफ क्वेश्चन लेकर आते हैं और बच्चों से हिलते नहीं है। टफ क्वेश्चंस लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। सभी ने आंसर दिया है सेवंथ नंबर, सभी ने आंसर दिया है सेवंथ नंबर, बिल्कुल आंसर सही है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन को और इसको एक्सपेंड करना चाहूं और मैं आपसे पूछूं भाई, यदि वर्ल्ड का एरिया 100% है तो उस 100% में इंडिया का शेयरिंग कितना है, यदि वर्ल्ड का एरिया 100% है तो उस 100% में इंडिया का कितना परसेंट हिस्सेदारी है, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। विशाल राणा, जैन सर सॉरी आई एम लेट टुडे, कोई बात नहीं अभी शुरू किया हमने सेशन। गुरु राणा कह रहे 2.54, और बताइए सभी लोग बताइए। क्रिएट क्यू विथ मी कह रहे 18%, एरिया की बात हो रही जी, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही जी। वैशाली लाल परसेंट 0.52, प्रीतम मंडल कह रहे 0.52 अप्रोक्सीमेट, तुक्का मार रहे हो क्या? क्रिएट क्यू विथ में पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, एरिया पूछ रहा हूँ, एरिया एरिया एरिया, पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा। 2.42 बिल्कुल सही, सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया, 2.4% अप्रोक्सीमेट आप कितना डालोगे, 2.4%। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यदि वो क्वेश्चन पूछने लगा भाई इंडिया का एरिया बताइए, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, तो मुझे फटाफट एरिया बताइए कितना है, फटाफट एरिया बताइए, इंडिया का एरिया कितना है इन किलोमीटर स्क्वायर, फटाफट मुझे बताइए एरिया ऑफ इंडिया इन किलोमीटर स्क्वायर, फटाफट कमेंट करके बताइए भारत का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में कितना है। विशाल राणा कह रहे हैं नॉट नोन सर, नहीं पता, और सभी लोग बताइए। वैशाली लाल ने दिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर दिया वैशाली जी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, गुरु राणा कह रहे 34,584 किलोमीटर स्क्वायर, नहीं जी गलत है, वैशाली लाल जी का बिल्कुल सही है 32,87,263 किलोमीटर, एक्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, यदि आपसे और क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई नॉर्थ से लेकर साउथ तक के बीच में यहां तक डिस्टेंस कितना था, आंसर कितना लगाएंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए कितना होगा, 3,214 किलोमीटर होगा। और सिमिलर वे में यदि पूछा जाए वेस्ट से ईस्ट तक बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2,933 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। नॉर्थ से साउथ तक कितना, 3,214, और वेस्ट टू ईस्ट कितना होगा आपका, 2,933 किलोमीटर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ फर्म्स डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस, निम्नलिखित में से किस बाजार की प्रक्रिया में से एक कंपनी मूल्य के ऊपर निर्धारण नहीं कर सकती है। पहला एग्जांपल आपके सामने मिक्स्ड कंपटीशन मिश्रित, उसके बाद मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन, फटाफट बताइए। ऋषभ चौधरी करे परफेक्ट कंपटीशन, गुरु राणा कह रहे हैं मोनोपोली, वानी त्यागी कह रही है परफेक्ट कंपटीशन, कामनी सिंह चौहान कह रही है परफेक्ट, और बताइए एल्विन डेजिन कह रहे हैं डी, क्रिएट क्रू विथ मी डी, गुरु डी 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 डी, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले आप लोगों ने सोचा होगा मोनोपोली, बहुतों ने बोला है मोनोपोली, मोनोपोली मतलब क्या होता है, बाजार में एकाधिकार, इसमें क्या होते हैं, बायर जो होगा बेचने वाला होगा वो होगा सिंगल, बायर कैसा होगा सिंगल होगा, सॉरी बायर नहीं, सेलर यहां पर कैसा होगा, बेचने वाला कैसा होगा, सिंगल होगा। और यदि बायर की बात की जाए तो बायर तो यहां पर मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें बायर और सेलर, इसमें सेलर और बायर अनलिमिटेड होते हैं, और जब अनलिमिटेड होंगे
तो आप प्राइस को कंट्रोल कर ही नहीं सकोगे, बिल्कुल आप प्राइस को कंट्रोल कर ही नहीं सकोगे। तो इसका आंसर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, बिल्कुल सही, जिन्होंने परफेक्ट कंपटीशन आंसर दिया है, में सेलर के पास ही होता है कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा सिंगल सेलर है, एक बेचने वाला है, यदि टूथपेस्ट को एज बेचने वाला है तो टूथपेस्ट के प्राइस वही तो डिसाइड करेगा, पूरे बाजार में बेचने वाला एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल। सर एनी लास्ट मिनट टिप्स, टिप्स बी पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, सबसे पहले जब एफकैट का पेपर देने जाओ तो सबसे पहले अटेम्प्ट करना आप मैथ का सेशन, यदि आपका मैथ का सेशन स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा मैथ का सेशन अटेम्प्ट करना, और अगर सपोज करो आपके पास मैथ का सेशन भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो फर्स्ट गो फॉर रीजनिंग, सबसे पहले जाना पेपर में और रीजनिंग सॉल्व करना, मैथ भी मत करना, सबसे पहले जाना पेपर में और सबसे पहले उठाकर रीजनिंग करना, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका सबका स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका स्ट्रॉन्ग होता है, और कम से कम आप ये मान के चलना 150 टू 160 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है, और 300 टोटल पेपर होंगे और 100 नंबर का पेपर आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, इन 25 क्वेश्चंस में से, इन 25 क्वेश्चंस से आपका देखो क्या होगा, इन 25 क्वेश्चंस में से आप गारंटीड है 25 में से 20 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, 25 में से 22 क्वेश्चन आराम से फोड़ दोगे, और 22 गुना 3 आपके नंबर होते हैं 66 नंबर, तो लगभग आपके यहां पर आ गए। तो सपोज करो 150 में से आप 66 नंबर यहां पर लेकर आए, 50 आपने माइनस कर दिया 100, फिर आपने 10 और माइनस कर दिया कितने हो गए 90, फिर आपने 6 और माइनस कर दिया 84, इसका मतलब तीन सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लेकर आने हैं, तीन सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको कितने लाने हैं 84 नंबर लाने हैं, और कोशिश करना टाइम लगाकर, कोशिश करना टाइम, मुश्किल से मुश्किल आपको 10 से 15 मिनट ही लेने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका तीन सब्जेक्ट में 84 नंबर लाने, क्या ही काम की बात नहीं, बहुत आसान है। उसके बाद जाना मैथ पर, उसके बाद सब लोग, उसके बाद यदि आप जाना चाहो तो फिर जाना जीएस पर, उसके बाद सीधा स्विच करना जीएस के ऊपर, ठीक है। जीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वही अटेम्प्ट करना, जीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वही अटेम्प्ट करना, जीएस में जो क्वेश्चन आएंगे वही अटेम्प्ट, और जीएस सिंपल लेवल की आएगी, ज्यादा टफ नहीं है। 25 क्वेश्चन से मैं आपको गारंटीड दे रहा हूं, इस 25 क्वेश्चन से मैं आपको गारंटीड दे रहा हूं, आप आराम से 17-18 बना लोगे। यदि सपोज करो आपने यहां पर 17-18 भी बना लिए, लगभग आपने 17 बनाए, 17 गुना 2 54 नंबर हो जाते हैं, 84 में से 54 माइनस कर दो, 50 माइनस कर दे 30, और 4 और माइनस कर दो तो आपके लगभग 30 के आसपास नंबर हो जाएंगे, मतलब दो सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर लाने हैं, सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर लेकर आना है। उसके बाद गो फॉर इंग्लिश, उसके बाद जाना सीधा इंग्लिश अटेम्प्ट करना। इंग्लिश के अंदर आप नॉर्मली सभी लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी, आप लोग यदि एफकैट का एग्जाम देने जा रहे हैं सभी की इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश अटेम्प्ट करना और कोशिश करना। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, सबसे पहले पैसेज वगैरह, एडियम फ्रेजेस वगैरह होंगे, एंटोनियम सिनोनिम्स होंगे, ये सब क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये सॉलिड नंबर देंगे आपको, ग्रामर वाले पोर्शन में बाद में उलझना। अगर सपोज करो इस 25 में से आपके आसानी से 17-18 हो रहे हैं वोकैब वाले के पोर्शन के अंदर, तो आप मानना, बाकी ग्रामर में मत जाना, क्योंकि ग्रामर ऐसा होता है कहीं पर आपका गलत हो जाता है। यदि आपको लग रहा है ग्रामर मेरी सॉलिड है बिल्कुल, तो वही अटेम्प्ट करना। लगभग यदि आपने यहां पर 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 17 गुना 2 34 नंबर यहां पर आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो आप कट ऑफ से 4 नंबर तो फालतू चले गए, कट ऑफ से कितने नंबर फालतू चले गए 4 नंबर। उसके बाद जाना मैथ, क्योंकि मैथ लेता है सबसे ज्यादा टाइम, और मैथ के पास कम से कम आपको ये इंग्लिश भी आपको 10 मिनट में करनी है, जीएस भी आपको 10 मिनट में करनी है, और मैथ के पास आपके पास कम से कम लास्ट में होनी चाहिए 30 मिनट, क्योंकि मैथ लेता है टाइम कंज्यूमिंग, कैलकुलेशन यही पड़ता है सारा टाइम, फिर आपको देना है मैथ को। और जैसे ही आप मैथ पर फोकस करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इस 25 क्वेश्चंस में से, और यदि सिंपल मैथ आता है, ज्यादा टफ मैथ नहीं आता, बिल्कुल सिंपल लेवल का मैथ आता है, इस 25 क्वेश्चंस में जितना आप लोग पढ़ के जा रहे हो, जो भी आपकी टीम है हमारी यहां पर लेट्स करेक्ट डिफेंस एग्जाम की, उनकी गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हो, इस 25 क्वेश्चंस में से गारंटीड आप 22 प्लस बना लोगे। यदि आप 22 भी बना लेते हो तो 22 गुना 2 44 नंबर, मतलब आपके कट ऑफ से आपके 48 नंबर एक्स्ट्रा, 150 प्लस मैं 48 कर देता हूं तो लगभग आपके कितने बन रहे हैं 198, अराउंड आपके 200 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, और 200 के आसपास मार्क्स लाना, सेफ रहोगे यदि आपका एसएसबी बोर्ड क्लियर हो जाता है तो, सेफ मार्क्स है, मेरिट में कभी भी आउट नहीं होगे। तो सभी को ये स्ट्रेटेजी बनानी है, सबसे पहले गो फॉर रीजनिंग, और रीजनिंग 10 मिनट में करनी है, देन गो फॉर जीएस, जीएस 10 मिनट में करनी है, देन गो फॉर आपको जाना है, फिर उसके बाद किस पर जाना है, इंग्लिश पर जाना है 10 मिनट, और टाइम आपको देना है लास्ट में मैथ को देना है। टाइम मैनेजमेंट करते रहो, ऊपर क्लॉक चलती रहती है, इस स्ट्रेटेजी से चलो, गारंटीड है फोड़ दोगे पेपर को, बिल्कुल गारंटीड आप फोड़ दोगे पेपर को। समझ में आया सभी को? तो इस स्ट्रेटेजी से चलना, बिल्कुल रीजनिंग, जीएस और ये सब। अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, टेंशन कोई नहीं लेना, टेंशन में गलत होने लग जाते हैं, बिल्कुल टेंशन में गलत होने लग जाते हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहकर क्वेश्चन सोल्व करेगा, बिल्कुल। सॉरी, ये 3 मार्क्स है, मैंने 2 नंबर के लगाए, बिल्कुल सही, सॉरी हो गया, 3 मार्क्स का एक है,
सॉरी ये 3 मार्क्स आएगा, सभी लोग 3 मार्क्स लगा लीजिएगा, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक होगी, पहले मैंने सही लिखा, यहाँ पर 3 मार्क्स का है, बिल्कुल सही लोग कर लेगा। इस स्ट्रेटेजी से यदि आप चलोगे तो गारंटीड आप एग्जाम को फोड़ दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग सबसे स्ट्रांग है आपकी, ठीक है, क्योंकि यही आपको कट ऑफ के नजदीक लेकर जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को, समझ गया, ये टिप्स है मेरी, पॉजिटिव रहना है, कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जी प्रशांत जी, मैंने कह दिया बिल्कुल जी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, इफ एट अ प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, वी से दैट देयर इज डैश इन द मार्केट एट दैट प्राइस। फटाफट क्वेश्चन बताइए, ठीक है। इफ एट अ प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन द मार्केट डिमांड, यदि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, वी से दैट देयर इज डैश इन द मार्केट एट दैट प्राइस। इक्विलिब्रियम होगा, एक्सेस डिमांड होगी, एक्सेस सप्लाई होगी, या फिर मार्जिनल रिवेन्यू होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेस सप्लाई, बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, एक्सेस सप्लाई मतलब मात्रा, बाजार में चीजें ज्यादा मात्रा में भेजी जा रही है। आपको दिखा ना, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, इसका मतलब चीजें ज्यादा रेट में भेजी जा रही है, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, एक्सेस सप्लाई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन विच ईयर वॉज ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्रा कजगम AIADMK फाउंडेड, ऑप्शन 1949, 1999, 1972, 1997, फटाफट आंसर बताइए, AIADMK कब बनी थी, फटाफट बताइए। स्किप। बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने आंसर दिया 1972 इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। और ये किससे बनी थी, इतना आपका बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है, डीएमके से, ये डीएमके पार्टी से टूटकर बनी थी AIADMK, बिल्कुल डीएमके पार्टी से टूटकर AIADMK बनी थी, और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी है, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाए इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे AIADMK, इज दैट राइट, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए भाई, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी कौन सी है, AIADMK, ठीक है, AIADMK इज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, गुरु राणा जी, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, फटाफट आंसर बताइए, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, इस पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर कौन था, जल्दी बताइए मुझे, इस पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर कौन है। नॉलेज जिम कह रहे हैं जयललिता जी, नहीं जी बिल्कुल गलत है, जयललिता जी नहीं है। हु इज द फाउंडर ऑफ दैट दिस पॉलिटिकल पार्टी, एम जी रामाचंद्रन, कौन है, एम जी रामाचंद्रन, ठीक है, ये पहले एक्टर थे, ये भी ध्यान रखना, एम जी रामाचंद्रन पहले एक एक्टर भी रहे हैं तमिलनाडु की जो फिल्म इंडस्ट्री उसमें, बिल्कुल ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैभव बेनीवाल कह रहे हैं विराट कोहली जी, क्या क्या आंसर देते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू शॉप बाथिंग घाट्स होटल्स एटसेट्रा, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार, मिलिट्री वाले क्वेश्चन नहीं होंगे क्या सर, हैं बिल्कुल, सब कुछ आगे, सारे टेंशन मत लीजिए, सभी कुछ है, मिक्स्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, फटाफट आंसर बताइए, कौन सा राइट है, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फटाफट बताइए, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम कह रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं, वानी त्यागी कह रहे हैं सर सी, राइट टू इक्वालिटी, सी, राइट टू इक्वालिटी, देखिए जी सीधा सा बताया, इक्वल एसेस टू शॉप, आप कहीं भी अपनी शॉप खोल सकते हैं, बाथिंग का आपको राइट है, घाट्स पर आने का राइट है, होटल खोलने का राइट है, तो ये आपकी फ्रीडम से रिलेटेड है ना, तो आपका क्या आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता और फ्रीडम से रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम, ए आंसर होगा इसका, ठीक है, आर्टिकल 17, बिल्कुल 7, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए आंसर होगा इसका, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा,
At which of the following place was the National Ice Hockey Championship Women Trophy Tournament held on January 2020? Kis jagah par National Ice Hockey Championship Women's ki hui thi January 2020 ke andar? Fatafat bataiye. Shimla, Gangtok, Srinagar ya phir Leh? Shimla keh rahe, Aman Tyagi keh rahe, Leh, Preeti Mondal keh rahe, D. शिमला शैलेश जी कह रहे हैं शिमला डी 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 रक्षिता चौधरी कह रही है डी और बाकी लोग बताइए सभी लोग डी रोहित गोस्वामी कह रहे हैं सर इसे ही समझाओ और कुछ पता नहीं था उसके बारे में मेरे को मुझे पता नहीं क्या कह रहे हो बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने आंसर दिया लेह लद्दाख इज द राइट आंसर लेह लद्दाख इज द राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर है लेह लद्दाख इज द राइट आंसर जिन्होंने लेह लद्दाख आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है अभी लेटेस्ट में हेल्ड हुआ था जनवरी 1 2020 को हुआ था ये नॉर्मली कहां पर है लेह लद्दाख में बिल्कुल सही आंसर है लेह लद्दाख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक्ड कितने दिनों तक महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो आंदोलन चला था सॉल्ट के लिए नमक के लिए वो बताइए सर मैं प्रीति नहीं प्रीतम हूं आई एम अ बॉय मैंने प्रीतम बोला ओके सॉरी जी सॉरी 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 ठीक है 34 डेज 36 डेज 12 डेज 6 डेज रक्षित चौधरी इज गिविंग द आंसर ऑफ 24 डेज जी ऋषभ चौधरी 24 वैशाली लाल 24 द चौहान 24 अंगिका कुमारी 24 रोहित गोस्वामी 24 डेज बिल्कुल सही है 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 सभी का आंसर बिल्कुल सही है 24 डेज तक चला था ठीक है अप्रैल से मार्च तक चला था बिल्कुल सॉरी मार्च से अप्रैल तक चला था बिल्कुल बिल्कुल मार्च टिल 6 मार्च बिल्कुल 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 सही आंसर है बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा सिंपल सा क्वेश्चन था ये सर सर क्वेश्चंस का फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए आईज में स्ट्रेस बढ़ा है अब नहीं बढ़ेगा गुरुजी अब नहीं बढ़ेगा गुरु राणा जी अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैं पहले ही सेट करके आ चुका हूं अब मेरे को पूरा चेंज करना पड़ेगा अब नहीं बढ़ेगा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा विच प्लेस इन द कर्नाटक हैज बीन चूजन टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टू ट्रेन एस्ट्रोनॉट्स जिसका नाम था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बाय द इसरो ठीक है किस स्थान पर यह होता फटाफट आपके सामने चार ऑप्शन है जगह के नाम ये रहे फटाफट कमेंट कर बताइए कौन सा आंसर है इसका विशाल राणा जी अब फॉन्ट बड़ा नहीं हो पाएगा सॉरी क्योंकि पहले ही मैं सेट कर चुका हूं ओके ओके कल वाले में बड़े रखेंगे टेंशन मत लीजिए गुरु जी कल वाले में बड़े रखेंगे टेंशन मत लीजिए फटाफट आंसर बताइए तो चौहान कह रहे हैं सी विशाल राणा कह रहे हैं कि सी सर अभिजीत जी कह रहे हैं ए द चौहान सी बाकी लोग भी कमेंट करिए फटाफट गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं सी विशाल राणा डोंट नो सर रोहित गोस्वामी चिकमंगलूर अमन त्यागी चिकमंगलूर गुरु राणा स्किप सर शैलेश कुमार कन्फ्यूजिंग बिल्कुल सही है ये अभी लेटेस्ट में होता है ये करंट का बिल्कुल लेटेस्ट जनवरी का करंट है बिल्कुल ये ध्यान रखना बिल्कुल जनवरी का करंट है और जगह कौन सी थी चिकमंगलूर में बनाया गया था ये कर्नाटक की वर्ल्ड क्लास जो ट्रेन की बात कर रही है एस्ट्रोनॉट ट्रेन की बात हो रही है जिसका नाम कहता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ये कहां पर एस्टेब्लिश की गई है चिकमंगलूर किए गए कर्नाटक में बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही आंसर है चिकमंगलूर बिल्कुल 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 सभी का आंसर सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा The Tomar Rajput were defeated in the middle of the 12th century. The Tomar Rajput were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of dash Ayodhya, Ajmer, Dwarka, ya fir Gwalior. Ayodhya, Ajmer, Dwarka, ya fir Gwalior. फटाफट कमेंट करके बताइए. इन्होंने कहाँ के जो तोमर राजपूतों ने था वो डिफीटेड किससे हारे थे अयोध्या के चौहानों से अजमेर के चौहानों से द्वारका के या फिर ग्वालियर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपको पता है मैक्सिमम चौहान कहां पर थे राजस्थान में और एक जगह थे कहां थे बिल्कुल सिंपल इसमें तो कोई शक लगाने की कोशिश ही नहीं थी ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है बिल्कुल अंकुश पांडे रक्षा चौधरी जी कामिनी सिंह चौहान अजमेर प्रशांत राज डी शैलेश कुमार बी वैशाली विशाल राणा बी बिल्कुल रोहित थैंक यू फॉर योर मूविंग एडलेस की वजह से हुआ है ये क्विज सॉल्व बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अजमेर इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है जिस सभी ने अजमेर बोला वो अपने आपको 3 मार्क्स दे दीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मगेश चंद्रन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मगेश चंद्रन निम्नलिखित में किस खेल के लिए संबंधित है बैडमिंटन चेस आर्चरी या फिर गोल्फ फटाफट कमेंट करके बताइए बैडमिंटन चेस आर्चरी गोल्फ अभी लेटेस्ट में न्यूज में थे बहुत ज्यादा अभी लेटेस्ट में बहुत ज्यादा न्यूज में थे ये
बहुत ज्यादा न्यूज में थे, बिल्कुल सही, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। चेस, चेस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। जो चेस बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चेस इज द राइट आंसर, गुड, सभी लोग जबरदस्त कर रहे हैं, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया चेस। एक बार फिर से बता दिया, हाउस द जोश, जोश कैसा आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा उसके बाद, इन द टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डेस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द डेस्ट लार्जेस्ट, बिल्कुल ये अभी शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, सेवंथ, ये अभी हमने पढ़ा था, अभी रिपीट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सेवंथ, सेवंथ विशाल राणा जी, सेवंथ 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 सेवंथ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही रहा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द न्यू सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु इनॉग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू। फटाफट बताइए कहां पर इनोग्रेट किया गया था, कड़ापा, नेलोर, कुरनूल या फिर विजयवाड़ा। हाँ बिल्कुल विशाल राणा जी, मग्नेश चंद्र का आंसर चेस है, बिल्कुल बिल्कुल, कड़प्पा, नेलोर, कुरनूल या फिर विजयवाड़ा। फटाफट आंसर करके बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। कुरनूल आंसर दे रहे हैं, कुरनूल, विजयवाड़ा डी आंसर दे रहे हैं, विजयवाड़ा विजयवाड़ा विजयवाड़ा। गुरु राणा ने नेलोर आंसर दिया है, अंगिका कुमारी, विजयवाड़ा विजयवाड़ा विजयवाड़ा। द करेक्ट आंसर इज एट नेलोर, नेलोर में इसका इनोग्रेशन हुआ है, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज एट नेलोर, नेलोर में इसका लेटेस्ट में, ये भी जनवरी की करंट है बिल्कुल, ठीक है, नेलोर में हुआ है, ना कड़पा में हुआ है, ना कुरनूल में, ना विजयवाड़ा, ठीक है, आंसर इज नेलोर, सभी लोग ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आए तो नेलोर में हुआ है, ठीक है। क्लासिकल तेलुगु इनोग्रेशन कहां पर हुआ है, नेलोर में, किसके द्वारा किया था, श्री वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एज डैश, फोकस, इन सेंटर, एपिसेंटर या फिर सरकम सेंटर। फटाफट बताइए, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एज फोकस, इन सेंटर, एपिसेंटर या फिर सरकम सेंटर। एपिसेंटर, सरकम सेंटर, एपिसेंटर, 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 बिल्कुल सही आंसर है सभी का, आंसर जिन्होंने एपिसेंटर दिया है वो करेक्ट आंसर है। ये नॉर्मली कब होता है, जब कभी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो आप देख लो जहां से स्टार्ट होता है वो पॉइंट कहलाता है आपका फोकस, वो पॉइंट आपका कहलाता है फोकस, इसके बिल्कुल ठीक जहां से वेव्स चलती है और जहां पर आपका सर्फेस पर जो पॉइंट रहता है ये कहलाता है आपका एपिसेंटर, ठीक है, ये चेक होते हैं, ये कहलाता है आपका एपिसेंटर। और फोकस और एपिसेंटर के बीच में एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का, ये मेरी एक वीडियो जो ज्योग्राफी पड़ी हुई है, ज्योग्राफी की जो आपकी प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है, लेट्स करेक्ट डिफेंस एग्जाम पर, वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है एपिसेंटर कहलाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अर्थक्वेक के अंदर बिल्कुल बिल्कुल एपिसेंटर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तल वोल्केनो विच एरप्टेड इन जनवरी 2020 इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। अभी लेटेस्ट में एक वोल्केनो आया था, तल वोल्केनो बहुत लेटेस्ट में आया था, बहुत तबाही हुई थी, वो कहां पर है, फटाफट आंसर करके बताइए, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। अमन त्यागी ए, इंडोनेशिया, इंडो फिलीपींस, गुरु राणा कह रहे हैं फिलीपींस में भी, फिलीपींस, इंडो, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, अमन त्यागी इंडोनेशिया, बाकी सब लोग भी कमेंट कर दीजिए, प्रशांत राज जापान। द करेक्ट आंसर इज एट फिलीपींस, वो जगह जो आई थी जहां पर ये तल नाम का वोल्केनो आया था वो जगह कौन सी है, फिलीपींस में होती, ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखना है, ये क्लियर आपको ध्यान रखना, क्योंकि फिलीपींस आपका पैसिफिक ओशन में आता है और पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे ज्यादा आपके वोल्केनोस वगैरह आते हैं, क्योंकि इसको रिंग ऑफ फायर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर की कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, फिलीपींस है, बिल्कुल। सर पेपर तो 2 आर्ट्स का है और आपने बोला था कि 1 आर का मान लो, लगता है आपसे ऐसे सीजल का टाइमिंग के हिसाब से बता दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको, हाँ मैं आपको पैटर्न के हिसाब से वो ही बता रहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, 2 आर का ही है, मैं आपको अरेंज करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट में सोल्व करनी है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आसानी से सोल्व हो जाती है, मैंने ऐसे सीजल के हिसाब से नहीं बताई मैंने आपको, क्योंकि 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाते हैं आराम से, मैं वो कह रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं देने के लिए कह रहा हूँ आपको, मैक्सिमम टाइम मैं आपको देने के लिए कह रहा हूँ मैथ को, ठीक है जी, मैं वो चीज कह रहा हूँ, आपको 10-10 मिनट में सॉल्व करना है ये सारा,
मैं वो चीज नहीं कह रहा हूं। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड वासा एफरेंशिया एपिडाइमिसिस वास डेफरेंस एंड डैश सर्विक्स। ऑप्शन आपके सामने चार ही रहे, फटाफट आंसर बताइए। दीक्षित कह रहे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, अभिजीत कह रहे हैं बी, विशाल राणा कह रहे हैं स्किप, गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं स्किप। सर स्ट्रेस कैसे हैंडल करें? स्ट्रेस हैंडल करने के लिए मूवी देख के जाना, मूवी देख के जाना 1917। सभी लोग बच्चे आज ये वाली मूवी देख के जाना 1917, लेटेस्ट मूवी है बिल्कुल। अभी से एक अवार्ड भी मिला है इस मूवी को। सभी बच्चे पेपर में जाने से पहले आज ये 1917 मूवी देख के जरूर जाना। अभी लेटेस्ट में मूवी को अवार्ड मिला है बिल्कुल, बहुत खतरनाक अवार्ड मिला। फटाफट बताइए क्या आंसर है। जय शंकला बी, रक्षिता बी, डी रोहित गोस्वामी, बी लग रहा है सर। मे लॉर्ड शिवा टेक्स अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम फास्टर देन 4G, अवार्ड मिला है। ओके सर बिल्कुल, बेस्ट ड्रामा फिल्म। सर आज तो शिवरात्रि के चक्कर में वैसे ही नहीं पढ़ेंगे। आंसर बताइए क्वेश्चन का, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर, जिन जिन्होंने आंसर दिया है, जिन जिन्होंने आंसर दिया है डी, वो करेक्ट आंसर है। जिस जिसने भी डी आंसर दिया है इज अ करेक्ट आंसर। ये मेल पार्ट है, ठीक है, मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अरविंद कृष्णा वाज चूजन इन जनवरी 2020 टू बी द सीईओ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। इनको सीईओ चुना गया था, किस कंपनी का सीईओ चुना गया? फटाफट आंसर बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आईबीएम या फिर एप्पल इंक। सभी लोग फटाफट बताइए आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आईबीएम या फिर एप्पल, फटाफट बताइए। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, आईबीएम या फिर एप्पल। बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया है आईबीएम, आईबीएम इज द करेक्ट आंसर, आईबीएम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आईबीएम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जी, आईबीएम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आईबीएम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, आईबीएम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेटेस्ट में मिला इनको आईबीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैं आपके लेकर आऊँ ये रहा, फटाफट बताइए। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज डैश, इंट्रिकलरी, प्राइमरी, लेटरल या फिर एपिकल। राम राम जी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरकलरी, लेटरल, एपिकल, प्रीतम मंडल कह रहे हैं ए, रोहित गोस्वामी ए, इंटरकलरी, एपिकल, एपिकल आंसर है इंटरकलरी। ठीक है, जो भी मैच्योर टिश्यू होता है वहां पर आपको कौन सा होता है इंटरकलरी। ये इंटरकलरी आपको कहां पर मिलता है? ग्रास के अंदर, घास के अंदर मिलता है। जब कभी आपने देखा घास वगैरह इस तरह से होती है, ऊपर से उसकी ग्रेजिंग हो जाती है, जानवर उसको खा लेते हैं तो वो दोबारा ग्रोथ हो जाती है, उसकी दोबारा से ग्रोथ हो जाती है। तो वो जो ग्रोथ वगैरह होती है वो किसके वजह से होते हैं? इंटरकलरी की वजह से होते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, इंटरकलरी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंटरकलरी इज द राइट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू विच कंट्री डज कीमिया एलिजाड अ टाइकोंडो एथलीट बिलोंग। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? लो जी, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। फटाफट आंसर बताइए। ईरान कह रहे हैं, ईरान कह रहे हैं, ईरान, अमन त्यागी कह रहे हैं ईरान, बिल्कुल सही आंसर है। जो सब लोग अटेम्प्ट कर कह रहे हैं आंसर, सर ईरान इज द राइट आंसर, बिल्कुल 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 ईरान सही आंसर है, बिल्कुल लेटेस्ट में थे बिल्कुल भी। ये भी
टाइकोंडो प्लेयर थे बिल्कुल अभी लेटेस्ट में होता जनवरी का करंट अफेयर ये भी कहां से थे ईरान से थे बिल्कुल सही आंसर है ईरान इज द राइट आंसर ईरान इज द राइट आंसर जो कह रहे हैं इजिप्ट सऊदी अरेबिया और टर्की कह रहे हैं वो रॉन्ग है ईरान इज द राइट आंसर ईरान सही आंसर है ठीक है ईरान इज द राइट आंसर ईरान इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछे थे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन मशीन प्रीफरेबली used for technical education and research used for technical education and research commonly operated machine preferably used for technical education and research चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही रहा which of the following phylum is also called flatworm Which of the following phylum is also called as flatworm? Animal की category बताए किसमें से कौन सा flatworm भी कहलाता है फटाफट बताइए बिल्कुल सर जी गुरु जी टेंशन मत लीजिए कल साइज बढ़ा देंगे टेंशन मत लीजिए मोलस्का कॉर्डेटा प्लेटियन फटाफट बताइए सर एफकेट की ऑफिशियल साइट पे जो मॉक है उसके आंसर अवेलेबल नहीं है कहीं ओके okay, मैंने देखा नहीं है वो फटाफट आंसर बताइए क्या है फ्लैटवर्म्स जो भी होगा वो फ्लैटवर्म्स किस कैटेगरी के अंदर आता है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही आंसर है प्लेटी हेलमिंथर्स जो भी आते हैं वो सब फ्लैटवर्म्स की कैटेगरी में जाते हैं बिल्कुल सही आंसर है फ्लैटवर्म्स जितने भी आते हैं वो प्लेटी हेलमिंथर्स कैटेगरी में जाएंगे बिल्कुल सही आंसर है प्लेटी हेलमिंथर्स मोलस्का नहीं है प्लेटी हेलमिंथर्स आते हैं ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही आंसर है प्लेटी हेलमिंथर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा Jair Bolsonaro, the chief guest at the Indian Republic Day Parade in January 2020, is the president of Dash, Peru, Brazil, Argentina, या फिर Chile. ये कहाँ के मुख्य अतिथि थे इंडिया के मुख्य अतिथि थे किस देश से थे बिल्कुल फटाफट बताइए जयेश संकल ब्राजील अंगिया कुमारी ब्राजील योगेंद्र ब्राजील आस्था ब्राजील मनीष शर्मा ब्राजील ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है बिल्कुल सही आंसर है ब्राजील इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू वेयर यू इज द डैश फाइनल वेलोसिटी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट वानी त्यागी प्रीतम मंडल सी तुषार यादव सी योगेंद्र देवरे आस्था नॉलेज इनिशियल वेलोसिटी रजत चौधरी सी विशाल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपको इनिशियल कैसे बता सकते हो आप बिल्कुल सही है आपको पता है वी क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है वी आपका क्या होता है फाइनल वेलोसिटी होता है और यदि मैं यू की बात करूं यू आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी यू आपका क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी तो आंसर क्या है यू इनिशियल वेलोसिटी आंसर क्या है यू इनिशियल वेलोसिटी ठीक है आंसर क्या है यू इनिशियल वेलोसिटी ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है आंसर क्या है यू इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल सही ठीक है इनिशियल वेलोसिटी यू बिल्कुल सही है जिन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा What is the rank of India in the Corruption Perception Index 2019 published by the Transparency International in January 2020? Rank bataiye. 80, 90, 100 ya 110? 80, 90, 100 ya 110? Fatafat concern bataiye. Angi Kumari 81, A, 110, not sure, Gurpreet Singh, D. एलविन कह रहे हैं 90, रोहित गोस्वामी 90, विशाल राणा 90 शायद मे बी डी जयेश ऑप्शन ए सर रजत चौधरी ए बाकी लोगों और कमेंट कर दिए बताइए सभी लोग ऋषभ चौधरी ए बिल्कुल सही आंसर है इंडिया की रैंक ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में कितनी है ये 80 है बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने आंसर दिया 80 इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है 80 इज द करेक्ट आंसर 80 रैंक थी इंडिया की बिल्कुल सही आंसर है 80 इज द करेक्ट आंसर
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 80 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े आप क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, वोकल कॉर्ड इन वुमेन आर डैश देन वोकल कॉर्ड इन मैन। ठीक है, जो महिलाओं में वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो डैश होता है, वोकल कॉर्ड इन मैन बड़ा होता है 5 mm छोटा होता है, 15 mm छोटा होता है, 5 mm बड़ा होता है या फिर 15 mm बड़ा होता है, फटाफट बताइए। प्रीतम मॉडल ए 5 mm, अंगिका कुमारी करे 5 mm लॉन्गर, और बताइए सभी लोग। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं फिर 5 mm छोटर, शिवानी धमन धीमन कह रही हैं ए, रजत चौधरी कह रहे हैं ए, अमन त्यागी कह रहे हैं ए, एलविन लेजिन कह रहे हैं बी, ऋषभ चौधरी ए, 5 mm छोटर, बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है, यदि वोकल कॉर्ड की बात है तो फीमेल में छोटा होता है, मेल के कंपैरिजन में कितना छोटा होता है, 5 mm छोटा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, 5 mm छोटा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है 5 mm छोटर, बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने 5 mm छोटा आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है आपको उन सभी का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अवार्डेड द स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड बाय द आईसीसी फॉर 2019। किसको स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला था आईसीसी के द्वारा 2019 का। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह या फिर विराट कोहली। स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड बाय द आईसीसी फॉर 2019। प्रीतम मंडल डी, तुषार यादव डी, दुर्गेश यादव डी, विशाल राणा कह रहे हैं कोहली, विराट कोहली डी, उज्जवल राणा डी, रोहित गोस्वामी सी, किरण गुंजले लॉन्गर देन 15 केज क्यूब विथ मी कि विराट कोहली। बिल्कुल सही आंसर है, विराट कोहली को मिला था ये। ठीक है, स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट आईसीसी किसको मिला था, विराट कोहली 2019। बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने विराट कोहली आंसर दिया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर, विराट इज विराट, दुर्गेश जी कह रहे हैं विराट इज विराट, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, द वेब यूजेस द डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेज एंड प्रोग्राम। ठीक है, जो आपकी वेब से होती है वो ये डैश यूज करती है, हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हॉटमेल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML पूछ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल HTML पूछ रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी इज कंफर्म लॉक इट। दुर्गेश यादव कह रहे हैं ए, विशाल राणा कह रहे हैं बी, मनिक शर्मा बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। HTML की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने बी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सभी का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इन जनवरी 2020। ठीक है, इसमें से किसको पद्म विभूषण मिला था जनवरी 2020 में। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रहा, पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सानिया मिर्जा, थर्ड ऑप्शन आपके सामने मैरी कॉम, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने सानिया नेहवाल। पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम या फिर सानिया नेहवाल। फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर है, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम या फिर सानिया नेहवाल। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, अंताक्षरी खेल रहे होगा, कोई मैरी कॉम बोल रहा है, कोई पीवी सिंधु बोल रहा है, कोई सानिया नेहवाल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फटाफट बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज मैरी कॉम, करेक्ट आंसर इज मैरी कॉम, बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने आंसर दिया मैरी कॉम उनका आंसर बिल्कुल सही है, मैरी कॉम को मिला था। ठीक है, बिल्कुल सही, पद्म विभूषण 2020 किसको मिला, मैरी कॉम को, बिल्कुल सही आंसर है मैरी कॉम। रेनू वर्मा जी का आंसर गलत है, ए इज रॉन्ग आंसर, द करेक्ट आंसर इज मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ये रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स। ठीक है, मिलिट्री वाली क्वेश्चन है सर, बिल्कुल है प्रीतम जी, प्रीतम जी है मिलिट्री वाली क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, बहुत लंबी टेस्ट सीरीज, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, प्लीज है इसमें टेंशन मत लीजिए, आप बने तो रहे, आप सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आए क्या प्रीतम, में से
क्या आंसर है? बिल्कुल सही, टार्टरिक एसिड। जितने भी आपके कच्चे अंगूर होते हैं उनमें क्या होता है आपका? टार्टरिक एसिड होता है। बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने डी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने आंसर दिया डी, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। डी गेम ऑफ इंडिया। तो मुझे फटाफट बताइए, क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने मैं दे रहा हूं हॉकी, दूसरा ऑप्शन में आपके सामने दे रहा हूं फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन में आपके सामने दे रहा हूं खो खो, ठीक है। ऐसे ही पांच ऑप्शन में आपके सामने हॉकी क्रिकेट, वनिता की करें सर नो नेशनल होगा। ऑफ यूथ अफेयर्स जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर थी, उसने रिस्पॉन्स दिया कि इंडिया हैज नो नेशनल गेम। तो आपको आंसर लगाओगे यदि नन ऑफ दिस ऑप्शन में, तो आप लगाना नो नेशनल गेम। हाँ, अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉकी दे रखा है, तो आंसर हॉकी करेक्ट होगा। ये चीज आप ध्यान रखना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन बेंगलुरु वॉज द वेन्यू फॉर वेन्यू ऑफ 107th इंडियन साइंस कांग्रेस इन जनवरी 2020। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। फटाफट बताइए। वन जीरो सेवंथ इंडियन साइंस कांग्रेस इन जनवरी 2020। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था, किसने बेंगलुरु में, किस यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था? फटाफट आंसर बताइए। ए अमन पवार कह रहे हैं, ए वैशाली लाल कह रहे हैं, डी अमन त्यागी जी कह रहे हैं, ए अनिल मोल यादव जी कह रहे हैं, ए क्रिएट क्यूब विथ मी। फटाफट बाकी लोग भी आंसर दीजिए, क्या आंसर है इसका, फटाफट आंसर दीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, किरण गुंजले कह रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, गुंजन आर्य कह रहे हैं बी, एल एन अनिल कह रहे हैं ए, शिवम पांडे कह रहे हैं देन माई आंसर इज राइट, बवाल कह रहे हैं ए, रोहित गोस्वामी सी लग रहा है सर, शैलेश कुमार ए, प्रशांत ऑप्शन ए सर, वेणु वर्मा कह रहे हैं, रेणु वर्मा जी कह रहे हैं ए, अंगीर कुमारी कह रही है ए, द करेक्ट आंसर इज बी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को ये वेन्यू मिला था और ये बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, नॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आप सब लोग ये सोच रहे हो आईएससी आपका कहां पर है, बेंगलुरु में। आप सबने ये सोचा भाई आईएससी है सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में, बट आपका करेक्ट आंसर क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज बी नॉट ए, इज दैट क्लियर? द करेक्ट आंसर इज बी नॉट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसमें से किसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, फटाफट आंसर कीजिए। नायलॉन, रायन, पॉलिस्टर या फिर एक्राइलिक, जवाब दे सकते। फटाफट आंसर बताइए, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर या एक्राइलिक। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर है रेयन, जिन सभी ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको लोड नहीं है तो आपको यहाँ पर इनविटेशन किसी ने थोड़ा ना दिया, आप अपने घर बैठिए, फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए यहाँ पर औरों का भी और अपना भी, आपका टाइम बहुत कीमती है। अगर आपको लोड नहीं है, आपको आंसर आता है, तो अपने घर बैठिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। Which of the following has been awarded the Sir Garfield Sober Trophy for the best cricketer of the year 2019 by the ICC? फटाफट बताइए। Ben Stokes, Pat Cummins, Kane Williamson या फिर David Warner? कोई नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक नहीं करते, कम से कम एक व्यू तो बढ़ रहा है, टेंशन वाली जरूरत नहीं है, ऐसे आदमी व्यूज बढ़ाने के लिए ही आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, अपना पढ़िए, ठीक है। बेन स्टॉक, पैट क्यूमिंस, केन विलियमसन या फिर डेविड वार्नर।
गेरफिल्ड सोबर प्राइज किसको ट्रॉफी किसको मिली थी, फटाफट बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही है, बेन स्टॉक को मिली थी। बिल्कुल सही है, बेन स्टॉक्स इंग्लैंड के हैं, बेन स्टॉक्स उनको मिली थी। बिल्कुल सही आंसर है बेन स्टॉक्स, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल बेन स्टॉक्स, बिल्कुल सही बेन स्टॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं, ये रहा, ठीक है। वेयर इज द सदर्न एल्प्स एल्पस माउंटेन रेंज लोकेटेड, सदर्न एल्पस कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया। एनी मोल यादव जी कह रहे हैं साउथ अफ्रीका, संजीव पांडे सी, रोहित गोस्वामी सी, शैलेश कुमार कह रहे हैं सी, डोवल कह रहे हैं सी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, प्रियंका चौधरी सी। अजीत भाटी जी कह रहे हैं बिल्कुल जी, फटाफट आंसर बताइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा इसका। अजीत जी आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे बच्चे आएंगे बीच बीच में सेशंस में आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, अपने पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए आप। फटाफट आंसर बताइए सदर्न एल्पस कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया। प्रशांत कुमार कह रहे हैं सर न्यूजीलैंड, आकाश सिंह कह रहे हैं सर साउथ अफ्रीका, एल एन अनिल कह रहे हैं सी। द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड, द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। साउथ एल्पस आपकी कहां पर है, न्यूजीलैंड में, ठीक है, ये शब्द रखना है, साउथ एल्पस आपकी कहां पर है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर, न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर, साउथ एल्पस आपकी न्यूजीलैंड में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपके साउथ एल्पस कहां पर है, न्यूजीलैंड के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शायद ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर बिल्कुल सही है बेन स्टॉक्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बेन स्टॉक इसका आंसर है। अक्षय कुमार सर आप थोड़ा प्लीज कम स्पीड से बोलो, ओके जी, ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है इसलिए हम इसको अब रिपीट दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डैश स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डैश स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव फाइनेंशियल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आपको स्कीम का नाम बताना है, तो स्कीम के फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल स्वच्छता मिशन, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री जनधन योजना, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जनधन योजना, संजीव पांडे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्कुल 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 सही आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज द करेक्ट आंसर। सुकन्या समृद्धि तो ये फीमेल्स, जो जितने भी चाइल्ड हैं, फीमेल्स चाइल्ड हैं उनके लिए, ठीक है, ये नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, हु डिस्कवर्ड यूरेनस, यूरेनस ग्रह की खोज किसने करी थी। सर टुमारो आई हैव एग्जाम, कोई नहीं शैलेश कुमार जी, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम है तो पढ़ रहे हैं अभी। सर आइजैक न्यूटन, विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट, या फिर विलियम हर्शल, या फिर निकोलस कॉपरनिकस। फटाफट आंसर बताइए, हु डिस्कवर्ड यूरेनस, यूरेनस ग्रह की खोज किसने करी थी, आइजैक न्यूटन, विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट, या फिर विलियम हर्शल, या फिर निकोलस कॉपरनिकस। मंडल ट्यूटर कह रहे हैं सी, 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 कॉपरनिकस, रोहित गोस्वामी कह रहे हैं कॉपरनिकस, अंगिका कुमारी कह रही है बी, ऋषभ चौधरी हर्शल, मंडल ट्यूटर सी कॉपरनिकस, सी, एल्विन कह रहे हैं बी, शैलेश कह रहे हैं सी, अनिल कह रहे कॉपरनिकस। द करेक्ट आंसर इज विलियम हर्शल, 1786 के आसपास इन्होंने खोज की थी, और द करेक्ट आंसर इज विलियम हर्शल, विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी, ठीक है, बिल्कुल सही है विलियम हर्शल।
बिल्कुल 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 सैटर्न सैटर्न बिल्कुल सही है, न्यूटन सैटर्न खोज बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये मैंने पढ़ाया है, ये मेरे क्लास नोट्स में है, यदि आप मेरे जितना भी सोलर सिस्टम के लेक्चर देखेंगे उसमें है ये, और जमन जी त्यागी जी जो पूछ रहे हैं वो भी है इसके लेक्चर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, मैनकेडिंग टर्म इज रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट्स, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। मैनकेडिंग टर्म इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। संजीव पांडे कह रहे हैं क्रिकेट, अशोक जी कह रहे हैं बिश्नोई जी डी कह रहे हैं, गुंजन आर्य कह रहे हैं टी, रोहित गोस्वामी कह रहे हैं गोल्फ, अमन त्यागी कह रहे हैं बी, अंगी कुमारी कह रहे हैं क्रिकेट, अश्विन ने की थी बिल्कुल, नॉलेज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अश्विन ने की थी बिल्कुल 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 सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। आशीष कुशल डी, बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर है, क्रिकेट है इसका सही आंसर। क्या है क्रिकेट, जब कभी क्या होता है आपके बॉलर एंड पर, जब कभी बॉलर बॉलिंग करा रहा होता है और जो यहाँ पर जो स्ट्राइकर एंड पर, जो यहाँ पर फील्डर खड़ा, जो बैट्समैन खड़ा होता है वो बैट्समैन आगे चला जाता है, वो बैट्समैन आगे चला जाता है और वो जो बॉलर होता है वो विकेट पर बॉल को स्टक कर देता है, तो उसी को बोला जाता है मैनकेडिंग। और इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्रिकेट इज द राइट आंसर, इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्रिकेट इज द राइट आंसर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाला देवी बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर टू बैग अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ फॉरेन क्लब, विच क्लब साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हर। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रोस्टोव, रोसेनबर्ग, लिली या फिर रेंजर्स। फटाफट बताइए क्या आंसर है इसका, बाला देवी जो अभी बेस्ट फुटबॉलर थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका किसी इंटरनेशनल क्लब के साथ, फटाफट आपको आंसर बताना वो कौन सा क्लब था, रोस्टोव, रोसेनबर्ग, लिली या फिर रेंजर्स। फटाफट आंसर बताइए क्या आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, रेंजर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, रेंजर्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, रेंजर्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, रेंजर्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, रेंजर्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2019 सिंगापुर ओपन इन वुमेन सिंगल कैटेगरी, वुमेन सिंगल कैटेगरी में इसमें से किसने सिंगल जीता था सिंगापुर ओपन, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर बताइए कौन है इसका आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, सिंगापुर ओपन बिल्कुल सही आंसर है, आंसर फटाफट बताइए क्या है, ए डी द करेक्ट आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल ए है, ठीक है ये सभी को रखना, द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड द हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, किस वर्ड को हिंदी वर्ड घोषित किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, संविधान, लोकतंत्र, समाजवाद या फिर डी ऑप्शन। फटाफट बताइए, प्रियंका चौधरी ए संविधान, 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 शुभ पांडे कह रहे हैं ए सर संविधान, सूरज सुरेश झाड़िया कह रहे हैं ए ए ए, बिल्कुल सही आंसर है, संविधान इज द करेक्ट आंसर, संविधान इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, संविधान इज द करेक्ट आंसर, संविधान बिल्कुल सही आंसर है, संविधान इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी का संविधान शब्द था जिसको ये वर्ड मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
पुलिट्ज़र प्राइज बताना आपको, पुलिट्ज़र प्राइज 2019 का किसको मिला है? चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताइए 2019 का पुलिट्ज़र प्राइज किसको मिला है, 2019 का पुलिट्ज़र प्राइज किसको मिला है फटाफट बताइए। फटाफट कमेंट करके बताइए। डी कह रहे हैं एमिटी एंड प्रोस्पेक्टिव, वन फैमिली एंड द फ्रैक्चरिंग ऑफ अमेरिका। डी 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 सभी लोग डी आंसर दे रहे हैं। 2019 का पुलिट्ज़र प्राइज किसको मिला फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट। डी सर, द करेक्ट आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज सी, फेयर व्यू बाय द जैकी सिबलीज। द करेक्ट आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज फेयर व्यू, द करेक्ट आंसर इज फेयर व्यू, द करेक्ट आंसर इज फेयर व्यू। ठीक है, फॉर लिटरेचर एंड जर्नलिज्म डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमन त्यागी, फॉर लिटरेचर एंड जर्नलिज्म डी बिल्कुल सही है। सभी लोग भेड़ चाल लगा रहे हैं, सभी लोग ने बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉलेज करे सभी लोग भेड़ चाल लगा रहे हैं, डी आंसर दे दो, सभी ने डी आंसर दिया बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज फेयर व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कॉप ब्रांड वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, कॉप ब्रांड किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? फर्स्ट आपके सामने बहुत फेमस, अभी लेटेस्ट में बहुत फेमस रहे थे, फटाफट आंसर दे दो, सभी को पता होगा बहुत फेमस खिलाड़ी है कॉप ब्रांड, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर बॉक्सिंग। बी बास्केटबॉल, बी 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 बी, सभी लोग बी कह रहे हैं। योगेंद्र कह रहे हैं आईनेट में आया था, बिल्कुल अभी भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है, तभी मैंने क्वेश्चन लेकर आया, बहुत फेमस है। क्रिएट क्यूब विथ में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, बिल्कुल बिल्कुल थे ही अभी, ठीक है, बहुत फेमस प्लेयर थे ये, अभी इनकी डेथ हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हुई है, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है ये, तभी मैं कह रहा हूँ न्यूज़ में थे बिल्कुल। फटाफट आंसर बताइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर, बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने बास्केटबॉल आंसर दिया, बास्केटबॉल सही आंसर है बिल्कुल, प्ले फॉर लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, मोस्ट वेबसाइट हैज अ मेन पेज द डैश विच एक्ट एज अ डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेज। ऑप्शन आपके सामने चार ये रहे, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउजर या फिर यूआरएल, फटाफट आंसर बताइए, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउजर या फिर यूआरएल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप वेबसाइट खोलते तो जो फर्स्ट पेज आपके सामने अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट आंसर बताइए। प्रीतम मॉडल कह रहे हैं ए, प्रियंका चौधरी कह रहे हैं डी, ऋषभ चौधरी कह रहे हैं होम पेज, अभिनेश शर्मा कह रहे हैं ए, सर्च इंजन नहीं जी, नहीं नहीं, अमन त्यागी बी, जयेश संख्या, विशाल, संजीव पांडे, लेफ्टिनेंट पाडियार, होम पेज, अकाल, बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, होम पेज बोलते हैं, जो फर्स्ट पेज आपको खुलता है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको सभी को पता है होम पेज बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, होम पेज इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, होम पेज इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, होम पेज सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच ऑफ दीज हैज बीन मेड द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 के बाद भारत के अंदर जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उनके लिए डिफॉल्ट सेटिंग कितने होगी, 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। आशीष कौशल कह रहे हैं ए, अंगिका कुमारी कह रही है सी, प्रीतम मॉडल कह रहे हैं 24, फटाफट बताइए, आकाश सिंह कह रहे हैं 24, प्रशांत कुमार 24, अंकुश पांडे सी 24, विशाल राणा 23, अग्निश शर्मा 24, आकाश सिंह 24, सुमन पांडे बी, अमन त्यागी सी, क्रिएट यू विथ मी 24, अर्लियर इट वॉज बिल्कुल पहले 23 था, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है 24, पहले 23 डिग्री था अब 24 डिग्री सेट हो चुका है, बिल्कुल सही आंसर है, 24 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल जिन्होंने 24 आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर इनका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, ठीक है, ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ पर क्या असर होगा, वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चेंज नहीं होगा, फटाफट बताइए।
फटाफट बताइए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट लेकर तब सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट लेकर तब सॉल्व करना स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि आपका वही है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है यहां पर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है बिल्कुल। प्रीतम मॉडल कह रहे हैं बी, शुभम पांडे कह रहे हैं बी, आशीष कौशल कह रहे हैं ए, नॉलेज जिम कह रहे हैं सी, विशाल राणा ए, अंगिका कुमारी कह रही हैं सर डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, अक्षय चौधरी कह रही हैं ए, एलन अनिल कह रहे हैं बी, सुपर प्रबल कह रहे हैं डी, संजीव पांडे कह रहे हैं बी, क्रिएट क्यूब विथ मी कह रहे हैं ए, अमन त्यागी कह रहे हैं ए, संजीव पांडे कह रहे हैं बी, क्रिएट वेवलेंथ डिक्रीज, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको बताया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लेकर इसको सॉल्व करना, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 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 सही आंसर है, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही है, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, क्लियर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेयर टू टेंसर मीडियम, बिल्कुल एज स्पीड विल ऑल्सो डिक्रीज, बिल्कुल मैंने वही बताया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट लेकर तब सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, द ईयर 2020 हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द ईयर ऑफ डॉक्टर, नर्स एंड मिडवाइफ, फार्मासिस्ट या फिर सर्जन, एज द डॉक्टर, नर्स एंड मिडवाइफ, फार्मासिस्ट या फिर सर्जन, नर्स एंड मिडवाइफ बी बी, नर्स एंड मिडवाइफ बी 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 बी, सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं, नर्स एंड मिडवाइफ प्रशांत कुमार, नर्स, नर्स एंड मिडवाइफ एलविन, एलन जी कह रहे हैं बी बी बी, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, नर्स एंड मिडवाइफ, बिल्कुल सही था, सही आंसर है नर्स एंड मिडवाइफ, 2020 ईयर का जो आपका घोषित किया गया नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया, बिल्कुल सही आंसर है नर्स एंड मिडवाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडिया स्टेट, चाइना बाउंड्री शेयर नहीं करता भारत के किस राज्य के साथ, फर्स्ट ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन सिक्किम, फटाफट बताइए इसमें से चाइना किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम, आशीष बिहार, राजन सिंह बिहार, एलन अनिल बिहार, बिहार, रोहित गोस्वामी बिहार, बिहार, एलविन कह रहे हैं ए, बावल कह रहे हैं ए, राजन सिंह कह रहे हैं ए, एलविन ए, 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 बिहार, 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 बिल्कुल सही आंसर है बिहार। अच्छा मैं आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे बताइए चाइना इंडिया के साथ कितने अप्रोक्सीमेट, कितने किलोमीटर के बाउंड्री शेयर करता है, फटाफट अप्रोक्सीमेट बता दिए मुझे, यदि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो मुझे अप्रोक्सीमेट बता दिए कितने किलोमीटर के आसपास, पांडे बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएगा एफकेट का, मैं आपको पहले बता रहा हूँ एफकेट के अंदर जो मेन है वो है आपका एसएसबी बोर्ड, वो ही आपका सबसे मेन है, जो वो एसएसबी बोर्ड क्रैक कर देगा वो ही यहाँ पर पास हो पाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, एसएसबी बोर्ड मेन है, वो सब जो जजमेंट करनी है वो एसएसबी बोर्ड के अंदर जजमेंट करते हैं सर, 2000 के समथिंग, 3000 किलोमीटर के आसपास, 3488 किलोमीटर, इट्स लेस देन 2500, वानिता की कह रहे हैं बिहार, ये लगभग 3700 किलोमीटर के आसपास, 3700 किलोमीटर के आसपास, ठीक है 3700 किलोमीटर के आसपास, जिन्होंने 3800 बोला सही आंसर है लगभग उनका, बिल्कुल सही आंसर है 3700 किलोमीटर के आसपास रहती है, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने ये रहा, संजय गुप्ता हु हैज बीन अवार्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड, ठीक है जिनको नेशनल जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है, इज एसोसिएटेड विद विद पब्लिकेशन, वो किस प्रसारण से, प्रचारण से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रहा जागरण से, दैनिक भास्कर से, लोकमत से या फिर मिलाप से, फटाफट बताइए, जागरण से, दैनिक भास्कर से, लोकमत से या फिर मिलाप से, प्रीत मंडल कह रहे हैं सी, विदु तोमर कह रहे हैं दैनिक भास्कर, मिलाप बी, जागरण से, प्रशांत कुमार कह रहे हैं सर जागरण से, प्रशांत कुमार की प्रिपरेशन काफी लेवल अच्छा, काफी अच्छा है, सुप्रबल ए कह रहे हैं, रक्षिता जी बी कह रही हैं, आकाश डी कह रहे हैं, गेमर्स बी आंसर दे रहे हैं, लोकमत आस्था सिंह जी बी दे रहे हैं, बवल ए दे रहे हैं, शुभम पांडे जी बी दे रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज जागरण, द करेक्ट आंसर इज जागरण, ठीक है जागरण बिल्कुल सही आंसर है, द करेक्ट आंसर इज जागरण, ठीक है ये जागरण से एसोसिएटेड है, किस पब्लिकेशन से एसोसिएटेड है, जागरण से, ठीक है जागरण इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जागरण इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्टिनेंट पाडियर सही आंसर दिया है, अमन त्यागी जी ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है जागरण, मिस शालिनी, शालिनी ने भी सही आंसर दिया है ए, सही है, सूरज झाड़िया ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा एक रिवर्स से क्वेश्चन पक्का फंसेगा आपके पेपर के अंदर, रिवर्स से क्वेश्चन एक पक्का फंसेगा, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Which of the following dam is not on the river Krishna? इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है, नागार्जुन सागर, कृष्णा कृष्णन सागर या फिर श्रीशैलम या फिर अलमती डैम। ये मेरी अगर रिवर्स की वीडियो आपने देखी होती तो रिवर्स की वीडियो में मैंने पढ़ा ये वाला, फटाफट कमेंट करके बताइए, नागार्जुन सागर, कृष्णराज सागर, श्रीशैलम या फिर अलमती डैम। सी श्रीशैलम, आकाश सिंह ए, ऋषभ चौधरी बी, विशाल राणा सी, रोहित गोस्वामी सी, अमन त्यागी सी, राजन सिंह सी, शुभम कुमार स्किप सर, बाकी लोग और भी कमेंट कीजिए, स्किप सर, शुभम पांडे सी, स्टील पुश सी, सर डैम का कोई आइडिया नहीं है, कोई नहीं जी कोई नहीं, गुंजन आर्य करें सी। ये यहाँ पर ध्यान रहा, यहाँ पर लिखा है नॉट ऑन द रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी पर कौन सा नहीं है। अच्छा आप लोग कोरिलेट इससे कर रहे हैं क्या, द करेक्ट आंसर इज कृष्णराज सागर डैम, द करेक्ट आंसर इज कृष्णराज सागर डैम। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कैसे कृष्णा भी यहाँ पर, तो कृष्णा भी यहाँ पर है, तो ये इस पर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कृष्णराज सागर डैम द करेक्ट आंसर इज कृष्णराज सागर डैम, ये चीज आपको ध्यान, बाकी ये डैम है, बाकी ये डैम है कृष्णा रिवर पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सारे डैम है बाकी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और जो नहीं है वो ये नहीं है, ठीक है, चीज ध्यान रखनी है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, हु इज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया, हु इज कॉल्ड एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया, हु इज कॉल्ड एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, फटाफट बताइए, हु इज कॉल्ड एज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया, हु इज कॉल्ड एज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। ऋषभ चौधरी कह रहे नागार्जुन, हु इज कॉल्ड एज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया, फटाफट बताइए, नागार्जुन सुपर कूल कह रहे सीवी रमन, नागार्जुन अमिन त्यागी, नागार्जुन रक्षित अजय, नागार्जुन सुरेश झांडिया, नागार्जुन रोहित गोस्वामी, रमन को प्रीतम मॉडल कह रहे हैं सीवी रमन, शुभम पांडे कह रहे हैं सीवी रमन, तुषार यादव कह रहे हैं बी सर, बी बी मतलब क्या उसमें ऑप्शन बी का है, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आइंस्टीन, राजन सिंह, नागार्जुन, नागार्जुन स्टील पुश कह रहे हैं सीवी रमन, नागार्जुन, नागार्जुन स्टील, सीवी रमन, नागार्जुन, बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने कहा है नागार्जुन जी, बिल्कुल सही आंसर है नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है नागार्जुन, बिल्कुल सही आंसर है नागार्जुन, नागार्जुन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट करिए इसको, फटाफट करिए नागर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018। फटाफट बताइए, क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। फर्स्ट आपके सामने क्या है, रोजर बिनी, अमरनाथ, के श्रीकांत, बिल्कुल सही है, जिन्होंने आंसर दिया के श्रीकांत, के श्रीकांत, के श्रीकांत, सर डी होगा, सर डी होगा, सर डी होगा, बिल्कुल सही, के श्रीकांत इज द राइट आंसर, के श्रीकांत इज द राइट आंसर, के श्रीकांत इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है के श्रीकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, डिफेंस वाले क्वेश्चन पूछे थे बच्चे, सर डिफेंस के क्वेश्चन नहीं है क्या, डिफेंस का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया परचेज्ड द प्लेटस प्लेटस P7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी। अमित रावत जी कह रहे हैं सर फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, सॉरी सर अब नहीं बढ़ पाएगा, पहले कल थोड़ा सा मैंने सेट कर चुका हूं, अब नहीं बढ़ पाएगा फॉन्ट साइज, सॉरी, फटाफट बताइए, PC7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट कहां से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या फिर जर्मनी से।
बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने आंसर दिया स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने आंसर दिया स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। पीसी 7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट कहां से है? स्विट्जरलैंड का, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, Which marching contingent has been adjusted the best marching contingent among the armed forces? ठीक है, किसको best marching contingent का award मिला है armed forces में? Indian Air Force, Indian Navy, Grenadiers या फिर Kumau Regiment? अभी latest हुआ है बिल्कुल। विदु तोमर कह रहे हैं Indian Navy, प्रंजल रावत कह रहे हैं Air Force 100%, Indian Air Force, Indian Air Force, मोहम्मद यूसुफ अनवर ए, विशाल राणा, आई ए एफ। अच्छा इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम है तो आप लोग सब सोच रहे हैं इंडियन एयरफोर्स होगा इसका आंसर, आप सब लोग सोच रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम है तो इंडियन एयरफोर्स होगा इसका आंसर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ग्रेनेडियर्स, रोहित आनंद कह रहे हैं ग्रेनेडियर्स, डी डी, अब सबने ऑप्शन चेंज करने शुरू कर दिए, ये सुनकर सबने ऑप्शन चेंज करने शुरू कर दिया, फटाफट आंसर बताइए क्या इसका आंसर? दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है सर। अमित रावत जी, सर मुझे लगता है आप कल का पेपर ही ले आए हो, यही क्वेश्चन आ गए तो अच्छा है सर। अच्छा जी फटाफट बताइए क्या इसका आंसर? नहीं पता सर, द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी, द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी, द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी, असम को मिला था सर ये तो पता है, द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी, द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी, द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी, द करेक्ट, ये 2020 पूछ रहा हूं सर मैं, 2019 का नहीं पूछ रहा हूं, 2020 पूछ रहा हूं, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज इंडियन एयरफोर्स, सॉरी इंडियन नेवी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत कुमार कह रहे सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ले लीजिए ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, चलिए चलिए, कंफ्यूज किया मेरा पब्लिक ने, अच्छा आपको कंफ्यूज कर दिया, चलिए सर दिल्ली पुलिस इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिपब्लिक डे पर मिलता है, बिल्कुल रिपब्लिक डे पर मिलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित राव जी कह रहे हैं, बिल्कुल रिपब्लिक डे पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, एडमिरल गोर्शोव द सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्टेड बाई इंडिया, Imported by India is now named. अब उसका नाम क्या है? INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विराट या फिर INS विशाल? प्रशांत कुमार कह रहे सर INS विक्रमादित्य, विक्रम विक्रम विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ललित खत्री कह रहे विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, आस्था INS विक्रांत, अमित कह रहे हैं। अच्छा सब लोग मेरा नाम सोच के मत लगा देना, मेरा नाम भी विक्रांत ही है, कभी सब लोग मेरा नाम सोच के लगा दें, मेरा नाम सोच के मत लगाना, ठीक है, एक ही तो है अपने पास। फटाफट आंसर लगाइए सर, आईएफ है प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर से? नहीं जी प्रंजल जी, नहीं नहीं, अभी लेटेस्ट 26 जनवरी को मिला है जी, ये 26 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है INS विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य इज द करेक्ट आंसर, INS विक्रमादित्य इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, INS विक्रमादित्य इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है INS विक्रमादित्य, ठीक है, सभी ने सही आंसर लगाया INS विक्रमादित्य, बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल रिसेंटली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ठीक है, फटाफट बताइए, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स, कॉमर्स मिनिस्टर्स या फिर आरबीआई गवर्नर? डोट वाले मिलिट्री एप्टीट्यूड का सैलरी जी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, कराएंगे 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 कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स, कॉमर्स मिनिस्टर्स या फिर आरबीआई गवर्नमेंट? स्टार्टअप से रिलेटेड है, स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल रिसेंटली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टार्टअप कमेटी, कौन होंगे, कौन सा मिनिस्टर होगा
ध्यान से देखिए, स्टार्टअप इज रिलेटेड टू द कॉमर्स सेक्टर, रिवेन्यू सेक्टर, ठीक है, जहां से आपका पैसा बनता है, उससे रिलेटेड की बात हो रही है, ठीक है, फटाफट बताइए। सर INS विक्रम डिकमिशन हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशीष कौशल कह रहे हैं सर IF ही है, चलिए देखते हैं, कोई नहीं आशीष जी, कोई नहीं, आप इधर आ जाइए, आप टेंशन मत लीजिए सर, IF एग्जाम टुमारो, दो IF प्रिपेयर्ड वेल, IM टेस्ट, कोई टेंशन नहीं लेनी जी, बताया तो है 1917 मूवी देख के जानी है, सब लोग 1917 मूवी देख के जाएंगे बिंदास होकर। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूं, पेपर देने से पहले, पेपर देने से पहले कोई कुछ मत पढ़ के आना, वरना ऐसे ऐसे मैंने लोग बाग देखे, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लेके जाते हैं और बैठ के खोल के पढ़ते, जैसे जो लास्ट में पढ़ेंगे वही पेपर में, कोई नहीं पढ़ के जाएगा, बिंदास जाना पेपर में, ये सोच के ना तुम्हें सब कुछ आता है, पेपर में ये सोच के ना तुम्हें सब कुछ आता है, तुम ही सबसे बेस्ट हो, पेपर में ये सोच के ना तुम ही सब कुछ आता है और तुम ही सबसे बेस्ट हो, ये कॉन्फिडेंस रख के चलना और बी पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे तो नेगेटिव बिल्कुल भी मत होना, कोई भी बच्चा हो सकता है आपके सेट में। सर लक्ष्य देखी है, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अब आपको नेक्स्ट मूवी देखनी है 1917 मूवी सबने देखनी है, ठीक है, ये मूवी आज जरूर देख के जाना। सर मैंने कल ही डाउनलोड करी है 1917, बिल्कुल आज ये मूवी देख के जानी है सबने, ठीक है, सब ये मूवी देखे जाएंगे। द करेक्ट आंसर इज कॉमर्स मिनिस्टर, द करेक्ट आंसर इज कॉमर्स मिनिस्टर, बिल्कुल कॉमर्स मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर, सही है, बिल्कुल सही है, कॉमर्स मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना आपको, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर इज द राइट आंसर, ताकि क्वालिफाई हो जाओ। सर देखो मिनिमम क्वेश्चन आपको कम से कम क्वालिफाई नहीं करना, देखो क्वालिफाई यदि आप करने जा रहे हो, यदि आप क्वालिफाई करने जा रहे हो तो क्वालिफाई करने से देखो क्या होगा, क्वालिफाई करने से आपका क्या होगा, क्वालिफाई करने से सिर्फ और सिर्फ आप तो पेपर क्लियर कर लोगे, लेकिन जब SSB बोर्ड भी आप क्लियर कर लोगे फिर आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट में रह जाओगे, क्वालिफाई नहीं करना आपने, कम से कम ये सोच ही जाना है मुझे 80-85 के बीच में क्वेश्चन करने हैं और मेरे कम से कम 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, मेरे कम से कम 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, ये सोच के जाना है। हाँ बिल्कुल सही, यही अमित राव जी, बिल्कुल यही। सर सेविंग पायरेट यान देख ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये सब लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कानपुर, अलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद। बिल्कुल 190 लाने हैं, बिल्कुल सर मॉक में 177 आ रहे हैं, बताओ कुछ सही है अमित जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे हैं पेपर में, वहां पर थोड़ा ज्यादा टफ नहीं आएगा, सिंपल आएगा, बिल्कुल अच्छे नंबर है आपके, कोई टेंशन वाली लेने की बात नहीं है। विशाल राणा कह रहे हैं गाजियाबाद, यार कैसे कैसे आंसर दे रहे हो, गाजियाबाद में कौन सी नदी आ गई है। मोहम्मद यूसुफ हनवती सी कह रहे हैं, मिशेलिन लखनऊ कह रही है, बिल्कुल सही, लखनऊ बिल्कुल सही है, लखनऊ इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ध्यान से देखिए, ये आपकी अलकनंदा इधर इधर भागीरथी, ये अलकनंदा इधर भागीरथी, तो इस पर इंपोर्टेंट शहर बसे हुए हैं, ठीक है, तो यहां पर जब आप चलते हो आगे की तरफ चलते हो, वाराणसी पर ये नदी आकर मिलती है, गोमती नदी वाराणसी पर मिलती है, गंगा से मिलती है, कहां पर मिलती है, वाराणसी, और बिल्कुल यहां पर इसके जो शहर बसा हुआ वो कौन सा है, लखनऊ, ये चीज रखने। सर रीजनिंग में एनालॉजी में दिक्कत आती है कुछ क्वेश्चंस में, क्या किया जाए, कोई नहीं टेंशन मत लीजिए, एनालॉजी आती है तो थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिए उस टाइम पर, यदि लास्ट में आपके पास टाइम बचता है लास्ट में सॉल्व कर लीजिएगा। सर गोमल रिवर पाकिस्तान में है, बिल्कुल ठीक है, ये चैप्टर रखने हैं लास्ट में करना, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो आपको टाइम कंज्यूमिंग उसको लास्ट में करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, What is the rank of India in the EIU Democracy Index 2019 released by the Economic Intelligence Unit in the January 2020? भारतीय रैंक बताइए इसके अंदर कौन सी है, 41, 51, 45 या फिर 53? मनीष चौहान डी, परंजल रावत कह रहे हैं सब 41, आशीष कौशल कह रहे हैं सर स्किप, बालाकांत कुमार कह रहे हैं 51, सर रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं जी टेंशन मत लीजिए, अभी जो क्वेश्चन छोड़े हैं उन सब में ये ऑप्शन कर दे, अरे नहीं कोई नेगेटिव नहीं करके जाएगा, ऐसे मत करना कोई भी। आस्था सिंह कह रहे 41, सोम शुक्ला कह रहे 51, गुंजन आर्य कह रहे 51, प्रशांत कह रहे 51, शुभम पांडे 41, द करेक्ट आंसर इज 51 इज द राइट आंसर, ठीक है, 51 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, 51 राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा डिफेंस रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एज इट्स लोगन. ये लोगन किस डिफेंस फोर्स का है, बीएसएफ का है, सिकलाई का है, इंडियन एयरफोर्स का है या फिर एनएसजी का है. मीनाक्षी पावर कह रही है सर 53 51. बीएसएफ एनएसजी. अमित रावत कह रहे हैं एनएसजी. स्किप एनएसजी. प्लॉट डेमोक्रेसी बीएसएफ. अमित रावत कह रहे हैं एनएसजी. बीएसएफ. शायद बीएसएफ एनएसजी. नेशनल सिक्योरिटी फोर्स एनएसजी का है सर. एनएसजी का है सर. बीएसएफ. द करेक्ट आंसर इज एनएसजी. बिल्कुल सही है. जिन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उनका है. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल सही आंसर है. एनएसजी का है. ठीक है. सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एनएसजी नॉट बीएसएफ. एनएसजी का है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. Who has been awarded the Poli Umar Grid Best International Cricketer Award by the BCCI? किसको मिला था, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा या फिर रोहित शर्मा. फटाफट बताइए. Who has been awarded the Poli Umar Grid Best International Cricketer Award for the by the BCCI? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा या फिर रोहित शर्मा. जसप्रीत बुमराह. क्रिएट क्रूप. जसप्रीत बुमराह. आस्था, अक्षय, शैलेश, प्रीतम, शैलेश. बिल्कुल सही आंसर है सभी का. जसप्रीत बुमराह इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही आंसर है जसप्रीत बुमराह. बिल्कुल सही है. बूम बूम बुमराह. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. टीरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर. जो टीरी डैम है उत्तराखंड का, वो किस नदी पर बसा हुआ है. तिस्ता नदी, अलकनंदा, भागीरथी या फिर घग्गर. फटाफट बताइए. तिस्ता, अलकनंदा, भागीरथी या फिर घाघर. टीरी डैम. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. फटाफट बताइए. भागीरथी, तिस्ता, सी गुंजन आर्य, भागीरथी 100%. प्रंजल रावत कह रहे हैं भागीरथी. बिल्कुल सिंपल सा आंसर है. भागीरथी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है. भागीरथी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अच्छा ध्यान से, तो इससे रिलेटेड आपको एक चीज बताता हूं. ये आपकी दो देखो, इस तरह से एक नदी आती है आपकी, ये भागीरथी नदी है. तो यहां पर एक आपका डैम रहता है और ये डैम आपका टिहरी डैम. यहां पर एक आपका डैम है और ये डैम आपको कौन सा है, टिहरी डैम. इस टिहरी डैम में ऊपर से नदी आती है और इस नदी का नाम है भिलांगना. ठीक है. इस नदी का नाम क्या है, भिलांगना नदी. ठीक है. यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टिहरी डैम से रिलेटेड, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ठीक है. यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टिहरी डैम से रिलेटेड, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ. टिहरी डैम के अंदर एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट. ठीक है. तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा भाई, एक आपका एक मूवमेंट होता चिपको मूवमेंट. वो चिपको मूवमेंट के अंदर जो मेन रोल मॉडल था वो कौन थे, फटाफट आदमी का नाम बताइए. मेन रोल मॉडल कौन थे. शौर्य मेडल. फटाफट बताइए कौन, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा था. फटाफट बताइए. सुंदरलाल बहुगुना. बिल्कुल. चिपको मूवमेंट बिल्कुल सही. कब हुआ था, 1973. कब हुआ था चिपको मूवमेंट, कब हुआ था, फटाफट बताइए. नहीं जी, प्रशांत कुमार सब कुछ फेवरेट है मेरा, टेंशन मत लीजिए आप, सभी फेवरेट है मेरा. सर ये ट्री से रिलेटेड था. बिल्कुल अच्छा. असली में ये मूवमेंट सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था और राजस्थान का उस टाइम पर जो राष्ट्रीय वृक्ष था वो था खेजड़ी. वो कौन सा था, खेजड़ी. तो यहाँ का ये जब खेजड़ी वृक्ष शुरू हुआ था तो आपको ये बताना है, यहाँ पर मेन जब राजस्थान से शुरू हुआ था तो आपको ये बताना है यहाँ पर मेन रोल मॉडल कौन थे, यहाँ पर मेन रोल मॉडल कौन थे खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड. सर आपकी आवाज नहीं, वैशाली लाल जी आपकी आवाज. यहाँ पर ये कौन थे, इनका मेन रोल मॉडल यहाँ पर कौन था राजस्थान में जब सबसे पहले खेजड़ी मूवमेंट हुआ था. सर वही तो बट वीर चक्र बता रहा है, हो सकता है मैं भी रॉन्ग आंसर दो, लेकिन शौर्य चक्र है उनका आंसर. अमित राव जी शौर्य चक्र है उसका आंसर. विकिपीडिया एडिटेबल हो जाता है अमित जी, विकिपीडिया एडिटेबल है, ये चीज ध्यान रखना आप. मोम एंड हर डॉटर वर बर्न्ड. बिल्कुल. ये कौन थे, अमृता बिश्नोई. बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, ध्यान रखना कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच फिल्म वॉज अवार्डेड द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट द 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, इसमें से किसको बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिलता है 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 1917, जोकर, रॉकेट मैन या फिर द आयरिशमैन। ओके जी, ओके ओके, क्वेश्चन पे आ जाइए सभी लोग, क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे। 1917, जोकर, रॉकेटमैन या फिर द आयरिशमैन, फटाफट बताइए। अभी क्वेश्चन करा था हमने, अभी करा था मैंने आपसे, बताया था। ओके प्रंजल जी, ओके ओके ओके, फटाफट बताइए कौन सा है। 1917, जोकर, रॉकेटमैन, आयरिशमैन, बिल्कुल सही आंसर है 1917, अभी करा था हमने, बिल्कुल 1917 अभी बताया था मैंने, 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द एनएचपीसी इन कारगिल इज ऑन विच रिवर, रिवर है सुरु, झेलम, कोनर या फिर रावी। फटाफट बताइए, ये वाला चुटक डैम कहां पर है, कौन सी नदी पर है, फटाफट बताइए। सिंपल सा आंसर है इसका, सुरु, सुरु रिवर। ठीक है, किस रिवर पर है, सुरु, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में पूछा था है, सुरु रिवर, आप आंसर लगाएंगे सुरु रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डिजास्टर मिटिगेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अवार्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनमें से किस राज्य को मिला था 2020 के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। फटाफट बताइए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, फटाफट बताइए क्या आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड है, बिल्कुल सही आंसर, जिन बच्चों ने उत्तराखंड आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड, बिल्कुल सही, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हैवी व्हीकल फैक्ट्री लोकेटेड। ठीक है, HVF कहां पर लोकेटेड है, कानपुर, खादी, अवध या फिर 24 परगना। फटाफट बताइए, कानपुर, खादी, अवध या फिर 24 परगना, व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर, हैवी व्हीकल फैक्ट्री बोल रहा मैं, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, बिल्कुल सही आंसर है अवध, अवधि, बिल्कुल सही आंसर है अवधि, अवधि इज द करेक्ट आंसर, अवधि इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, अवधि इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवधि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड पद्म अवार्ड। इनमें से किसको पद्म विभूषण का अवार्ड नहीं मिला, जो लेटेस्ट अभी पद्म अवार्ड हुए थे, सर जॉर्ज फर्नांडिस, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री अरुण जेटली, श्री श्रीमती सुषमा स्वराज या फिर श्री मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर, मनीष चौहान कह रहे हैं डी, मानिक शर्मा कह रहे हैं डी, विशाल पारिकर, मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर, अमित राज कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, मनोहर पारिकर जी नहीं है इसमें सम्मिलित। ठीक है, मनोहर पारिकर जी नहीं है इसमें सम्मिलित, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, मनोहर पारिकर नहीं है, जिन्होंने आंसर दिया डी, डी इज द करेक्ट आंसर, मनोहर पारिकर इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, मैथुन डैम जो यहाँ पर आपका 34th नेशनल गेम भी लोकेटेड होता है, ये किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है, बकर बराकार नदी पर है, हुगली पर है या फिर पद्मा नदी पर है, फटाफट बताइए, फटाफट क्वेश्चन करिए, बहुत क्वेश्चन बचे हैं और टाइम कम है, फटाफट करिए, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बराक, फटाफट बताइए,
34th नेशनल गेम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, बिल्कुल फटाफट बताइए, ईस्ट की तरफ है ये रिवर, ईस्ट द ईस्ट की तरफ आपकी एक रिवर, फटाफट बताइए, दामोदर, बराक, हुगली या फिर पद्मा, ईस्ट स्टेट की तरफ आती है, दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, पद्मा 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 को यहां पर बांग्लादेश में गंगा को बोलाता है, हुगली गंगा का है, और बराक ये बराक नदी है, ठीक है, ये बराक आपकी कहां पर है, मणिपुर, मणिपुर स्टेट के अंदर बराक, दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा की सहायक नदी है, हुगली क्या है जो वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा की जो एक स्ट्रीम चल जाती है उसको क्या बोलता है, हुगली, और पद्मा बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर नाम इसका, फटाफट बताइए, ऋषु पांडे कह रहे बी बी, बिल्कुल सही आंसर है बराक, मणिपुर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही बराक, बिल्कुल स्टेट बताते सभी बच्चों ने फोड़ दिया पेपर, स्टेट बताते सभी बच्चों ने आसानी से क्रैक कर दिया, बिल्कुल सही आंसर बराक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, विराट कोहली, बेन स्टॉक्स, रोहित शर्मा या फिर दीपक चहर, ऋषु कह रहे हैं, ऋषु पांडे कह रहे हैं ए बी बेन स्टॉक, विराट भैया, विराट कोहली आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही, किसको मिला है, विराट कोहली, विराट कोहली को मिला है क्या, या बेन स्टॉक को मिला है, या रोहित शर्मा को मिला है, या फिर दीपक चहर को मिला है, द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा, द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा, द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा, द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज अ न्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर इंडियन फॉर ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर्स एस्टेब्लिश्ड इन 2011, पुणे, जबलपुर, सिकंदराबाद या फिर गया, ओटीए कहां पर नया बना है अभी लेटेस्ट में, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कहां पर लेटेस्ट में भी एक नया ओटीए बना आपका, गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, गया में बना है, बिल्कुल सही आंसर है गया, ओटीए गया, आप पीछे देख लेगा बेन स्टॉक का भी कराया मैंने क्वेश्चन, पीछे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, टेब्लू ऑफ विच स्टेट वाज अवार्डेड द बेस्ट टेब्लू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जनवरी 2020, ये मुझे सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लग रहा है जो एफकेट के अंदर आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहा है जो कि बार आ सकता है, जो 2020 के जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसके अंदर किसको मिला था, तेलंगाना, असम, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र, ओटीए कैट सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल अब मेरिट में बनेगा, फटाफट बताइए, असम असम असम, बिल्कुल सही है, लेटेस्ट है, बिल्कुल असम इज द करेक्ट आंसर, असम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथुन डैम विच वाज इन न्यूज ड्यूरिंग द 34th नेशनल गेम, ये तो रिपीट हो गया शायद, बिल्कुल सही है ब्राक, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following aircraft is the air-to-air refueler of the Indian Air Force? ठीक है, हवा में ईंधन भरने के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, C-17, Ilyushin 76 या 78 या फिर C-130J Hercules? सर आपका प्लस पर बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है, वहां पर मेरा इंडियन पॉलिटी चल रही है, वहां पर मेरी पूरी इंडियन पॉलिटी चल रही है, और वहां पर मेरा बायोलॉजी वाला पूरा चल रहा है, बायोलॉजी वाला 18th फेब से शुरू हुआ था, आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता तो वो यूज कर सकता है, मेरा कोड VKPLive, मेरा कोड VKPLive यूज कर सकता है, वहां पर वो यूज करता है, 18th फेब से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं वहां पर, इंडियन पॉलिटी खत्म होने वाला है, अभी एंड होने वाला है, ठीक है, आ चुका है मेरा कोर्स, टेंशन मत लीजिए, फटाफट बताइए क्या इसका आंसर, Ilyushin 76 या फिर Ilyushin 78? THQ with me 78 सर, मैं CAPF वाला कोर्स मार्च से लूंगा, ओके जी ओके रमी जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं जी, ओके ओके टेंशन मत लीजिए, Hercules द करेक्ट आंसर इज Ilyushin 78, द करेक्ट आंसर इज Ilyushin 78, बिल्कुल सही है, Ilyushin 78, Ilyushin 78 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, कोटा शहर किस नदी पर, चंबल नंबर नदी पर, भुवनेश्वर, महानदी पर, जबलपुर, नर्मदा पर, सूरत, तापी नदी पर, फटाफट बताइए कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से, तीन करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, फटाफट बताइए,
हरक्यूलिस इज द हैवी जो हरक्यूलिस आपका हैवी जो इक्विपमेंट लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है हेलीकॉप्टर डी आंसर दे रहे हैं सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं कोटा चंबल नदी पर बिल्कुल सही है जबलपुर नर्मदा नदी पर बिल्कुल सही है जहां पर तीन वाटरफॉल आते हैं तीन झरने ठीक है उसके बाद सूरत तापी नदी पर बिल्कुल सही है द करेक्ट इनकरेक्ट इज भुवनेश्वर महानदी ठीक है भुवनेश्वर महानदी पर नहीं है बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है ये ठीक है गोदावरी नदी पर बिल्कुल सही है सर 175 प्लस अच्छा स्कोर है क्या हाँ सेफ है सेफ स्कोर है अच्छा नहीं कह सकते बट सेफ है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS विक्रांत INS त्रिखंड INS आर्यन INS सिंधु रक्षक फटाफट बताइए INS विक्रांत त्रिखंड आर्यन या फिर सिंधु रक्षक सभी लोग मेरे नाम दे रहे हैं अच्छा इसीलिए मेरे नाम पे आंसर मत दीजिए द करेक्ट आंसर इज INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया की फर्स्ट डेवलप्ड जो है INS अरिहंत नहीं है सॉरी INS विक्रांत नहीं है INS अरिहंत है INS अरिहंत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा हीराकुंड डैम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम जिसकी लंबाई इतनी है इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर किस नदी पर है गोदावरी तुंगभद्रा महानदी या फिर ब्रह्मपुत्रा सर आप सब एसएसबी का कोर्स कब लाएंगे बहुत लेटेस्ट आने लाने वाले जी लाने वाले टेंशन मत लीजिए आपको अपडेट मिल जाएगा यहाँ पर सर 70 प्लस स्कोर अच्छा है बहुत बढ़िया आपको गारंटेड आपको सिलेक्शन मिलेगा बालाकांत जी बिल्कुल अच्छा स्कोर है महानदी सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल सही आंसर है महानदी इज द करेक्ट आंसर महानदी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Who of the following is the only chief of air staff to be given the rank of marshal of the Indian Air Force? किसको मिली थी अर्जन सिंह सुब्रतो मुखर्जी पीसी लाल या फिर ओपी मेहरा वो पूछिए सर रहे सर 70 प्लस इज गुड क्या कहां से गुड होगा 70 प्लस नंबर लाके तो कोई सिलेक्शन भी नहीं होगा कैसे पूछ बात कर रहे हैं आप 70 प्लस पे कोई सिलेक्शन होगा आपका नया बैच लेटेस्ट शुरू हो जाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को टेंशन मत लीजिए मिल जाएगा आपको अपडेट रहिएगा लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर अपडेट मिल जाएगा सही आंसर है अर्जन सिंह इकलौते ऐसे हुए हैं जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ तक पहुंचे रैंक एयर मार्शल तक रैंक तक पहुंचे हैं बिल्कुल सही आंसर है अर्जन सिंह सर कितने देर और है क्लास अभी तो बहुत क्वेश्चन है टेंशन मत लीजिए जिसको जाना है वो जा सकता है अभी तो है क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया भारत के अंदर कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन रहती है 16.5% 17.5% 20% या फिर 15% सेफ स्कोर कितना होगा सर सेफ स्कोर से मतलब नहीं है आपको यदि कट एसएसबी में मेरिट में आना है तो कम से कम आपको 200 प्लस लेके आना है यदि सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं एग्जाम क्रैक हो जाए तो कम से कम आपको 150 अबव लेकर आने पड़ेंगे यदि आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो 150 अबव और यदि आप चाहते हैं मेरिट में भी बने तो 200 प्लस अच्छा 70 क्वेश्चन कह रहे हैं ओके 70 क्वेश्चन सेफ है जी बिल्कुल 70 क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल सही है 70 क्वेश्चन सेफ है बिल्कुल सही है ओके मैं सोच रहा हूँ 70 प्लस मार्क्स कह रहे हैं 70 क्वेश्चन इज वेरी सेफ बिल्कुल सही 17.5% बिल्कुल सही आंसर है 17.5% इज द करेक्ट आंसर सही है दिव्यांशु जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्प डील विद द सप्लाई ऑफ वेपनरी एंड एम्यूनेशन टू द इंडियन आर्मी कौन हथियार पोता देता है ठीक है फटाफट बताइए आप मुझे आर्म्ड कॉर्प आर्मर्ड कॉर्प आर्मी सप्लाई कॉर्प या फिर कॉर्प ऑफ ईएमई ऑर्डिनेंस कॉर्प आर्मर्ड कॉर्प या फिर सप्लाई कॉर्प या फिर कॉर्प ऑफ ईएमई नहीं स्कोर बोला है स्कोर जो भी देख लेता हूं फटाफट बताइए बिल्कुल सही है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प ठीक है बिल्कुल सही है ऑर्डिनेंस वर्ड से आप समझ गए होंगे बिल्कुल ऑर्डिनेंस कॉर्प बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा एट द प्रेजेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड चाइना बाय विच ईयर इज इंडिया लाइकली टू ओवरकम चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कितने साल के बाद इंडिया सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा और चाइना पिछड़ जाएगा उससे किस साल के बाद फटाफट कमेंट करके बताइए 25 40 30 या 50
बिल्कुल सही आंसर है 2030 तक अप्रोक्सीमेट ये माना जा रहा है इंडिया पछाड़ देगा चाइना को। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर इज 2030। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने रहा। What was the name given to the operation conducted by the National Security Guard in 2008 against the terrorist attack in Taj Hotel? जो आपका 2008 में जो अटैक हुआ था ताज होटल के अंदर उसको किस नाम से दिया जाना था? ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन विजय। सर कैनेटिक टू नेटर, ऑफकोर्स अमित जी ऑफकोर्स ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो बिल्कुल सही आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो इज द करेक्ट आंसर, एनएसजी के थ्रू ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो बिल्कुल सही आंसर है, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म? क्लासिकल डांस फॉर्म बताने आपको इसमें से कौन सा है? ए बी सी, फटाफट बताइए। बहुत सिंपल है ये तो, आप नॉर्मली ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। मेजर संदीप उन्ना कृष्ण बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये तो, आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं, फटाफट बताइए। बिल्कुल सभी सही है, बिल्कुल सही कहा, कथकली बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सारे के सारे फोक डांस है और ये सारे के सारे ये क्लासिकल डांस है, बिल्कुल सही कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड हमारे हम लोगों ने कब से इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था? 63, 65, 61 या फिर 57? 100 नंबर में मेरिट इन हो सकते हैं बिल्कुल। हो सकते हैं बिल्कुल 63, 65, 61, 57। द करेक्ट आंसर इज 61, द करेक्ट आंसर इज 61, 1961, द करेक्ट आंसर इज 1961। ठीक है, अर्जुन अवार्ड हमने 1961 से शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इंडिया सी अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? भारत के अंदर कब पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई थी? 1901 से 11, 31 से 41, 11 से 21 या फिर 51 से 61? फटाफट बताइए। द करेक्ट आंसर इज 1911 से 21, इसको बोला था डेमोक्रेटिक नेगेटिव, नेगेटिव गई थी यहां पर पॉपुलेशन, इसलिए इसको 1911 से लेकर 1921 तक। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, 1911 से 1921 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मार्शल डांस? इनमें से कौन सा मार्शल डांस है इंडिया? ठीक है, कथकली बैम्बू डांस इन मेघालय, चाउ ऑफ मेरुंज या फिर भांगरा ऑफ पंजाब? मार्शल डांस बताना आपको कौन सा है इसमें से। केरला वाला, केरला में भी एक मार्शल डांस आता है, वो ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना। मोस्ट पब्लिक ये सोचते हैं केरला वाला मार्शल आर्ट देख लेते हैं, मार्शल डांस देख लेते हैं, केरला वाला मार्शल डांस नहीं है इसमें, बिल्कुल ध्यान रखना। चाउ ऑफ मयूरभंज सॉरी, सदानंद देशपांडे सी, सी 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 सी, मनीष चौहान बी, सदानंद देशपांडे सी, आलोक महतो सी, बाकी लोग भी कमेंट करिए फटाफट। प्रीतम मंडल बी, बाजू सिंह सी, विशाल राणा सी, क्रिएट ग्रुप विद मी सी, बिल्कुल सही आंसर है, आप ध्यान रखना ये सी। और एक मार्शल डांस इसी तरह से आपका केरला में भी है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना आपको, एक केरला के अंदर भी, क्लियर है? बिल्कुल सही आंसर दिया अजय कुमार जी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद? द्रोणाचार्य अवार्ड इसमें से किसके संबंधित है? एमिनेंट सर्जन, फेमस आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स कोचेस या फिर एक्सपर्ट इंजीनियर? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही आंसर सभी का, स्पोर्ट्स कोचेस से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? इंडिया की सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर या फिर मिजोरम? बिल्कुल सही आंसर है, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ध्यान से, नोबेल प्राइज आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? इसमें से नोबेल प्राइज किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता? फटाफट बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस या फिर म्यूजिक?
25 is the maximum age. किसके लिए नहीं दिया था? बिल्कुल सही, म्यूजिक के लिए नहीं दिया था, बिल्कुल म्यूजिक के लिए नहीं दिया, बाकी तीनों के लिए दिया था, बिल्कुल सही, म्यूजिक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है. कोडियाट्टम इज डैश अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ केरला, स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड इन तमिलनाडु, बोट रेस ऑफ केरला या फिर ड्रेस वॉर्न इन कर्नाटका. CAAD ड्रेस वॉर्म इन कर्नाटका, ट्रेडिशनल डांस ऑफ केरला, बोट रेस. बी द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ केरला. चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं, फटाफट बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल. किस स्टेट में सबसे ज्यादा फीमेल कम है मेल के कंपैरिजन में? बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा. बिल्कुल सही आंसर है हरियाणा, बिल्कुल सही आंसर, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं. हरियाणा का बिल्कुल फीमेल रेशियो कम है मेल के, मेल रेशियो कम है फीमेल के कंपैरिजन, बिल्कुल सही, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओलंपिक गेम्स, जर्नलिज्म या फिर सिविल एविएशन. पुलित्जर प्राइज की बात हो रही है. रिफ्रेश कर लीजिए मनीष जी, अगर क्वेश्चन, मनीषा जी अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे आप अपने उसको रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज. बिल्कुल सही आंसर है जर्नलिज्म, बिल्कुल सही आंसर है जर्नलिज्म इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. गिद्दा किसका पॉपुलर डांस फॉर्म है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड. जर्नलिज्म लास्ट वाले का आंसर था. गिद्दा सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ बेटर जेंडर रेशियो देन इंडिया. किसका जेंडर रेशियो बेटर है इंडिया के कंपैरिजन में? भूटान, पाकिस्तान, चाइना या फिर अफगानिस्तान. भूटान, पाकिस्तान, चाइना या फिर अफगानिस्तान, फटाफट बताइए. द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान, द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान. पाकिस्तान का बेटर है इंडिया के कंपैरिजन में. द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान का, पाकिस्तान का मच मोर बेटर है इंडिया के कंपैरिजन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म? भागरा, भरतनाट्यम, चाऊ या फिर वंगला. सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आराम से करेक्ट कर लेंगे आप. भरतनाट्यम, बिल्कुल सही, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं. भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, भरतनाट्यम, 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 बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू एनकरेज इंक्रीज इन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड फूड प्राइज वॉज फाउंडेड बाई. प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, UNDP, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग या फिर WHO. फटाफट बताइए. बिल्कुल सही है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, करेक्ट आंसर, बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस. साक्षरता दर भारत के अंदर कितनी है? 74.04, इतनी, इतनी या फिर इतनी, फटाफट बताइए. कालियारा पट्टू, बिल्कुल सही दे तो रहे हैं, ये बता तो दिया मैंने, कालियारा पट्टू इज द केरला मार्शल आर्ट, ये बता तो दिया है, फटाफट बताइए.
74.04, 82.14, 76.06 या फिर 65.5. बिल्कुल सही है, 74.04 इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है, 74.04% इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन. शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस चीज के लिए जाता है, लिटरेचर, साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर सोशल सर्विस. शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस चीज के लिए जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए. लिटरेचर, साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर सोशल सर्विस. बिल्कुल सही है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किसके लिए जाता है, साइंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस, यूनेस्को, सीएसआईआर, यूजीसी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फटाफट बताइए क्या आंसर है. यूनेस्को, सीएसआईआर, साइंस से बी वेंकट कार्तिक. द करेक्ट आंसर इज सीएसआईआर. द करेक्ट आंसर इज सीएसआईआर. द करेक्ट आंसर इज सीएसआईआर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा. नेक्स्ट टू दिल्ली, नेक्स्ट टू दिल्ली विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया. सुनीता छपरवाल बिल्कुल साइंस रिलेटेड है. नेक्स्ट टू दिल्ली, नेक्स्ट टू दिल्ली Which is the most populated union territory in India? Chandigarh, Puducherry, Daman and Diu, Andaman and Nicobar. ये बताइए फटाफट. द नेक्स्ट टू दिल्ली विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव या फिर अंडमान एंड निकोबार. बिल्कुल सही आंसर है, पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर. पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर. पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर. एक मिनट यूनेस्को मैंने क्या आंसर बताया, एक मिनट पीछे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस. ओके यूनेस्को इज द करेक्ट आंसर. सॉरी बिल्कुल UNESCO is the correct answer. Sorry. UNESCO is the correct answer. Bilkul. Sorry for the inconvenience. UNESCO is the correct answer. Main CSIR bata chuka tha. Sorry. UNESCO is the correct answer. Bilkul. Sorry, mistake. Sorry. UNESCO is the correct answer. Chale. Next question aapke saamne aa raha. रेमन मैक्सेसे अवार्ड आर गिवन इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ. कहां के थे फॉर्मर प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस. बिल्कुल सही आंसर है फिलीपींस. बिल्कुल सही आंसर है फिलीपींस. फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है फिलीपींस. फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है फिलीपींस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेट नोबल प्राइज. इसमें से अल्टरनेट नोबल प्राइज किसको बोलता है, पुलित्ज़र प्राइज को, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को, बुकर प्राइज को या फिर रेमन मैग्सेसे अवार्ड को. बिल्कुल रवीश कुमार को मिला ये अवार्ड. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अल्टरनेट नोबल प्राइज की बात हो रही है. अल्टरनेट नोबल प्राइज ध्यान से सुना. अल्टरनेट नोबल प्राइज. बिल्कुल सही रेमन मैग्सेसे अवार्ड. बिल्कुल सही रेमन मैग्सेसे. बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने. सभी ने सही आंसर दिया. रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट बात हो रही है.
Which of the following state has the lowest literacy rate in India? भारत में किस राज्य की सबसे lowest literacy rate है? फटाफट बताइए. राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? लोवेस्ट लिटरेसी रेट राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? द करेक्ट आंसर इज बिहार. द करेक्ट आंसर इज बिहार. बिहार की लिटरेसी रेट बहुत कम है. ठीक है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस इन इंडिया? अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर कीर्ति चक्र? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, परमवीर चक्र. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? फटाफट बताइए. 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स? बिल्कुल सही आंसर है, 5 ईयर्स रहता है. बिल्कुल सही, 5 ईयर्स. बिल्कुल सही, 5 ईयर्स. 5 ईयर्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? फ्रॉम 1901 टू 1911 इंडियन पॉपुलेशन रजिस्टर्ड अ फोर्थ फोल्ड ग्रोथ. ठीक है, फ्रॉम 1901 टू 1951 इंडियाज पॉपुलेशन ग्रो ओनली 1.5 टाइम्स. ठीक है, यहां पर 4 टाइम्स बढ़ी थी, यहां पर 1.5 टाइम्स बढ़ी. इनमें से कौन सा सही है? एक सही, दूसरा सही है, दोनों सही, दोनों गलत? बोथ आर करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, ध्यान रखना है, बोथ आर करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. दोनों सही है, दोनों सही है. बोथ आर करेक्ट. बोथ 1 एंड 2. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने. नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन. ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास कितने होते हैं? कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रास कितने होते हैं? फटाफट बताइए. 33, 32, 22 या फिर 26? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछ रहा है. एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ. यहां पर क्वेश्चन आ रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ आप आंसर लगाएंगे 33. और जब आप यूथ हो जाते हो, जब आप यंग हो जाते हो, तो आपके कितने हो जाते हैं? 26. ये चीज आपको ध्यान रखना है. एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछे तो आप आंसर कितने लगाओगे? 33. और जब आप यूथ हो जाओगे तो कितने हो जाते हैं? 26. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Who was the only Secretary General of the UNO to have died while in the office? ठीक है, ऐसा इकलौता Secretary General जो of the UNO का जो अपने समय काल के अंदर जिसकी डेथ हो गई थी. यूटंथ, थर्ड, ट्रेगलोव या फिर कर्ट वेल्डहिम? वेल्डहिम, कर्ट वेल्डहिम. फटाफट बताइए. डैग, यू शादव कह रहे हैं डैग. स्किप, विद्युत तोमर स्किप, मनीष चौहान स्किप, सदानंद देश पांडे डी, जहिंद सर नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके, द करेक्ट आंसर इज डैक. द करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, ये अपने समय काल में मरे इकलौते. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा. द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल इज इन्वर्टेज, माल्टोज, जाइमेज या फिर डाइस्टेज? सर और कितने क्वेश्चन बाकी हैं? थोड़े बहुत और बचे हैं, आप जा सकते हैं. प्रीतम जी, अगर आपको जाना है तो पूरे क्वेश्चन के रखे जाएंगे, टेंशन मत लीजिए. ऋषभ चौधरी कह रहे हैं माल्टेज. बिल्कुल सही आंसर है, माल्टेज इज द करेक्ट आंसर. माल्टेज करता है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में. बिल्कुल सही, माल्टेज. माल्टेज इज द करेक्ट आंसर. माल्टेज इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है, माल्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टेपिस, ह्यूमरस, उल्ना या फिर फीमर? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, फीमर. थाई बोन होती है आपकी, फीमर. बिल्कुल सही आंसर है, थाई बोन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इन विच ईयर वॉज द यूएनओ अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज? यूएनओ ने नोबल पीस प्राइज कब से देना शुरू किया था? 75, 1999, 2001 या फिर 2006?
नोबेल पीस प्राइज कब से देना शुरू किया था? द करेक्ट आंसर इज 2001. द करेक्ट आंसर इज 2001. द करेक्ट आंसर इज 2001. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 2001. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. Which of the following bone of the skull is movable? आपके इस खोपड़ी के अंदर इकलौती घूमने वाली हड्डी कौन सी है? नसल बोन, टेम्परेरी बोन, मैक्सिला या फिर मैंडिला, मैंडिबल. नसल बोन, टेम्परेरी बोन, मैक्सिला या फिर मैंडिबल. बिल्कुल मैंडिबल बोन होती है, और ये आपके निचले वाला जो जबड़ा होगा, निचले वाला जो जबड़ा होगा, ठीक है, लोअर जो, लोअर जो, जो आपका नीचे वाला जो होता है, लोअर जो, उसको बोला जाता है मैंडिबल, और अपर जो को बोला जाता है मैक्सिला. अपर जो इज कॉल्ड एज मैक्सिला एंड लोअर जो इज कॉल्ड एज मैंडिबल. तो आपने जबड़े की सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला तो हिस्सा हिला सकते हैं. बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका. ठीक है, मैंडिबल. थैंक यू जी शैलेश कुमार जी, थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द स्टर्नम टू द रिब्स? विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द स्टर्नम टू द रिब्स? बोनी मैटर, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हेलिन कार्टिलेज या फिर एरोलर टिश्यू. प्रशांत कुमार करे सर आप बहुत इंटेलिजेंट आ रहे. नहीं जी प्रशांत कुमार जी, नहीं जी, नहीं जी. फटाफट बताइए, बोनी मैटर, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हेलिन कार्टिलेज या फिर एरोलर टिश्यू. द करेक्ट आंसर इज हाइलिन कार्टिलेज. द करेक्ट आंसर इज हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपकी पसली जो होती है वो चीज में बना रहा हूं. ठीक है, इस तरह से देखो आपकी रिब्स होती हैं. ठीक है, ये आपकी रिब्स होती हैं. ये 12 के पेयर में होती है, 12 × 2 = 24. 24 रिब्स होती है, पसली होती है. और ये आपका स्टर्नम है. बिल्कुल ये आपका स्टर्नम है. ठीक है, और ये जो सामने मैंने बना रहा हूं ये आपका स्टर्नम है. बिल्कुल ये सीधा रखना, बिल्कुल आपके सामने स्टर्नम है. बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आपका स्टर्नम है. सभी लोग एक बार लाइक जरूर बता दीजिएगा. बिल्कुल बिल्कुल ये आपका स्टर्नम है सामने. बिल्कुल ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना. तो 24 रिब्स होती है आपकी टोटल, ध्यान रखना. ठीक है, तो ये वज्रासन जिसका इंद्र के पास था, ठीक है, दधीचि ऋषि जी का बना था, सेम उसी की बात हो रही है. करेक्ट आंसर इज हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945? 45, 48, 51 या फिर 54? और कितने बजे तक क्लास है? क्वेश्चन कर रहे हैं अभी शैलेश कुमार जी, बस थोड़ा एंड होने वाला है, 5-10 मिनट में एंड होने वाला है. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूएनओ जिस टाइम पर बना था उस टाइम कितने देश थे? 45, 48, 51 या फिर 54? द करेक्ट आंसर इज 51 कंट्रीज थी उस टाइम पर. कितनी कंट्रीज थी? 51 कंट्रीज, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. द टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन, आपके चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? 12, 16, 14 या 18? बिल्कुल सही है. फेशियल बोन यदि बात है तो आपका आंसर लगाना कितनी होती है? 14 बोन्स होती हैं. फेशियल बोन्स कितनी होती है? 14, 14, 14 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. जब आपको जो बीज का जो डंक होता है और वाष्प जो होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फटाफट बताइए, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बिल्कुल सही, फॉर्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही है, फॉर्मिक एसिड होता है. बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली? इंडिया के पहले जो प्रेसिडेंट रहे यूएन असेंबली में कौन थे? नटवर सिंह, वीके कृष्ण मेनन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित या फिर रमेश भंडारी. सुनीता छबरवाल कह रहे हैं मैं तो आपकी क्लास खाते खाते देख रही हूँ. ओके जी, ओके, बिल्कुल सही है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित इज द करेक्ट आंसर. श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही, सिंपल सा क्वेश्चन था. हैवी वाटर इंप्लाइज, भारी जल का मतलब क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर, सी वाटर, मिनरल वाटर या फिर डाइल्यूटेड वाटर, जिसको आप D2O बोलते हो, इसको D2O भी बोला जाता है. और हैवी वाटर का सिंबल भी क्या होता है? D2O होता है. तो आप समझ रहे होंगे आंसर क्या है, ड्यूटेरेटेड वाटर की बात हो रही है.
सर आपने खाना खा लिया? नहीं जी अभी नहीं खाया, अभी इसके बाद प्लस पर क्लास है, 11 बजे तक फिर खाएंगे, 11 बजे पढ़ाने के बाद फिर खाएंगे। अभी ऑफलाइन पढ़ा कर आए हैं, फिर अभी यहाँ पर पढ़ाएंगे, फिर 11 बजे खाना पढ़ाकर फिर खाना खाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ ब्रेथ टेस्ट यूज्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग। आपने देखा होगा ना ड्रंकिंग ड्राइविंग को चेक करने के लिए नॉर्मल इनके पास इक्विपमेंट होता है, उसके अंदर क्या चीज यूज करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये? फटाफट बताइए। बिल्कुल आइसोटोप्स ज्यादा रहते हैं हैवी वाटर, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है, मुझे ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है। बड़ी लेट खाते हो सर, कोई नहीं जी। द करेक्ट आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज ए, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इसमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? यूएसए, यूके, फ्रांस या फिर स्पेन? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज स्पेन, बिल्कुल सही है, स्पेन, स्पेन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर का आता है इसमें से, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? बिल्कुल सही आंसर है एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही आंसर, एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है एसिटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर? नॉन परमानेंट मेंबर की बात हो रही है। अप्रोक्सीमेट 80 to 85 के बीच में क्वेश्चन करिए। द करेक्ट आंसर इज 2 ईयर, द करेक्ट आंसर इज 2 ईयर, द करेक्ट आंसर इज 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज अ ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग? फॉस्फरस, सिलिकॉन बेस्ड, आयरन बेस्ड या फिर सल्फर बेस्ड? बिल्कुल सही आंसर है सल्फर बेस्ड, सल्फर बेस्ड इज द करेक्ट आंसर, सल्फर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंसिड स्मेल ऑफ स्पॉइल्ड डेयरी प्रोडक्ट इज ड्यू टू द लिब्रेशन ऑफ। जब कभी आपने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी स्मेल आती है, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, एसिटिक एसिड, सल्फरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड? जो स्मेल आती है किसके वजह से होता है? एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड? बिल्कुल सही आंसर है प्रेरणा जी का, ब्यूटायरिक एसिड की वजह से होता है, ब्यूटायरिक एसिड की वजह से होता है, ब्यूटायरिक एसिड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जिस टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड वेवल? बिल्कुल सही, लॉर्ड इरविन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन थे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेलोजी, रिपन, मिंटो, रीडिंग। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल द रिपन द ग्रेट, रिपन द ग्रेट, बिल्कुल सही आंसर है, रिपन द ग्रेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रिपन द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, एशियन गेम्स हैव बीन हेल्ड मोस्ट टाइम किस जगह पर हुए? न्यू दिल्ली, टोक्यो, बैंकॉक या फिर सियोल?
बैंकॉक में चार बार हुए, न्यू दिल्ली में दो बार हुए, ध्यान रखना बैंकॉक में चार बार, न्यू दिल्ली में दो बार, तो आंसर क्या है बैंकॉक। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को, क्वेश्चंस तो और भी थे लेकिन एंड करते हैं, क्लास लेने जाना है। चलिए तीन चार क्वेश्चन और बचे थे लेकिन एंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैंकॉक में चार बार, न्यूजीलैंड न्यू दिल्ली में दो बार, ठीक है, कोई नहीं, सेशन को एंड करते हैं। कल फिर एक छोटा सा सेशन लेकर आएंगे और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से तैयारी करेगा, कोई भी टेंशन मत लेना एग्जाम से देने से पहले, ठीक है, ठीक है, एग्जाम लेने से पहले कोई भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल बिंदास होके जाना और 1917 मूवी जरूर देखे जाना, 1917 मूवी जरूर देखे जाना और एग्जाम से पहले बिल्कुल चिल मार के जाना, ठीक है, बिल्कुल। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 80-85 के बीच में, 80-85 और एक बार सब लोग लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, बिटवीन 80-85 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड जय हिंद, और अच्छे से मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।